नमस्कार दोस्तों, मैच स्टार्ट हो चुका है और ये दूसरा गेंद था जो कि यहाँ पर डॉट हुआ है और इसी डॉट के साथ इसको आपको बता दें दो गेंदों पे दो रन बने हैं। सिडनी सिक्सर ने आज टॉस जीत के पहले यहाँ पर गेंदबाजी करने का बैटिंग करने का फैसला किया है। सिडनी सिक्सर ने टॉस जीत के पहले यहाँ पर थोड़ी सी वेट कीजिए। जी हाँ, यहाँ पर सिडनी सिक्सर ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। अरे यार, यहाँ पर सिडनी सिक्सर ने यहाँ पर बैटिंग करने का फैसला किया है। जी हाँ, बैटिंग करते हुए यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर तीन गेंदें हो चुके हैं। एलिसा पैरी एंड ओपन करने आई है। एलिसा पैरी के साथ एलिसा हीली, आज हीली एंड पैरी ये दोनों आई हैं ओपन करने के लिए। शेफाली वर्मा आज ओपन नहीं की है और उनकी जगह पे एलिसा पैरी एलिसा हीली के साथ ओपन करने के लिए आई है। मार्जिनी कैफ बॉलिंग करने के लिए तैयार। इस ओवर की पांचवी गेंद, फिर से एक बार सामना करेंगे एलिसा पैरी। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार छोटी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डाला था और स्लोअर था, बॉल को खेल दिया है यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ। सिंगल लेके यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट करेंगे, दो रन यहाँ पर लेती हुई। जी हाँ, यहाँ पर दो रन लेके स्कोर को पहुँचा दिया है चार रनों तक। सिडनी सिक्सर ने टॉस जीत के पहले यहाँ पर, जी हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हुआ था। तो भाई यहाँ पर आपको बता दें कि सिडनी सिक्सर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और बैटिंग करते हुए पांच गेंदों पे चार रन बना लिया है और इस बार आखिरी गेंद और सीधे बल्ले से खेल दिया है एलिसा पैरी ने। यहाँ पर सीधा बॉलर के हाथ में कोई रन नहीं। बोथ टीम मस्ट बी शुड विन द मैच, इंपॉर्टेंट मैच, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। जी हाँ, यहाँ पर दोनों टीमों के लिए मस्ट विन मैच आया है। आपको बता दें सिडनी सिक्सर जो है छः मैचों में दो जीत के साथ पाँच पॉइंट है इनके खाते में और छठे नंबर सातवें नंबर पे बना हुआ है, जहां पर पांच सॉकर्स पांच मैचों में तीन जीत और सात पॉइंट के साथ। भाई पांच सॉकर्स के लिए ये मैच उतना अहम नहीं है जितना सिडनी सिक्सर के लिए ये मैच है। अगला ओवर कौन करेगा देखना होगा कि अगला गेंदबाजी कौन करने आते हैं यहाँ पर पांच सॉकर्स के लिए। एलिसा हीली, जी हाँ, एलिसा हीली है स्ट्राइक पे जो कि एक अच्छे गेंदबाज मानी जाती है। पिछली मैच इनका बल्ला नहीं चला था, मेलबॉर्न रेनेगर्स के खिलाफ इनका बल्ला कभी नहीं चला और मेलबॉर्न स्टार के खिलाफ इनका 14 रन का इनिंग्स है, मगर आज देखना होगा कि इनसे बहुत T20 कैरियर बहुत ही अच्छा है इनका। 24 का एवरेज से इन्होंने 2129 रन बना चुके हैं। तो एलिसा हेली और एलिसा पैरी से यहाँ पर सिडनी सिक्सर का बहुत ही उम्मीद रहेगा। इस ओवर की दूसरी गेंद, राइट दाहिने हाथ से राउंड द विकेट बॉल करता हुआ एलिसा हेली को लीली मिल्स को पैर यहाँ पर बहुत ही पावर प्ले के अंदर बॉल दिया गया है। हम लोग ने जितने भी मैच देखे हैं उसमें आपको बता दें कि लीली मिल्स को पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए नहीं बुलाया था, मगर आज दूसरे ही ओवर दे दिया गया है लीली मिल्स को उनका फॉर्म देखते हुए। तो भाई साहब बता दें कि यहाँ पर लीली मिल्स आई हैं बॉलिंग डालने के लिए और लीली मिल्स ने पिछली मैच में एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ दो विकेट निकाले थे सिर्फ 18 रन देके। तो देखना होगा कि आज यहाँ पर क्या करती है, फिर से वह बॉलिंग करने के लिए तैयार। इस ओवर की तीसरी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ एलिसा पैरी को बॉल को इस बार डीप मिड विकेट की तरफ खेल दिया है, सिंगल मिल जाएगा। संदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाई लाइक जरूर करें और यहाँ पर चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ सिडनी सिक्सर ने बैटिंग करने का चॉइस किया है। फिर से एक बार अच्छी गेंद और यहाँ पर थोड़ी सी ऑफ स्टैंप पे बाहर की तरफ निकली, बैकफुट पे जाके इसको खेलने की कोशिश किया था मगर सीधा यहाँ पर विकेट कीपर के हाथ में गया है, कोई रन नहीं। ताहिर बसा जी, थैंक यू सो मच, यहाँ पर बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ताहिर बसा जी हमारे एक ऐसे सब्सक्राइबर है जो कि हर एक मैच में हमारे साथ जुड़ते हैं। गुलशन साहनी ने भी यहाँ पर पिछला मैच में हमारे साथ जुड़े थे और पैरी का विकेट दे अपना। चलिए देखते हैं, एलिसा पैरी है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे लीली मिल्स की गेंदबाजी का।
राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार गू यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेग बॉल था, बॉल को बैकफुट में जाके खेल दिया कवर की दिशा में, मगर यहाँ पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। दो ओवर खत्म हो चुके हैं, दो ओवर में 7 रन बने हैं भाई। संदीप जी आज मेरा पार्ट है टीम, चलिए देखते हैं भाई यहाँ पर सारे टीम कौन सी टीम जीतेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर 11 भाइयों ने वोट किया है, जहाँ पर 5 सॉकर्स के साथ 55% भाई बने हुए हैं और सिडनी सिक्सर के साथ 45% भाई हमारे बने हुए हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर आप अपना कीमती जो है पोल ज़रूर करें और बताइए कि कौन सी टीम किसका चांस ज़्यादा है, इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा हमें। लाइक हमारे भाई कर चुके हैं 8 भाई यहाँ पर। इनोसेंट सफी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई जुड़ने के लिए, और इसी की तरह जुड़े रहिए। मार्जिनी कैप की अगली गेंद, इस ओवर की दूसरे ओवर की पहली गेंद, और यहाँ पर बॉल को सीधे बल्ले से खेल दिया है एलिसा हीली ने, इस बार खेला था बॉल को और सीधा चला गया है मिड ऑफ के पास, कोई रन नहीं मिलेगा। चलिए इस इनोसेंट सफी जी थैंक यू सो मच, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट कर किया कीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ पर जल्द से जल्द 10 लाइक पूरे होने वाले हैं भाई, और सभी भाइयों ने यहाँ पर लाइक ज़रूर करना है। दो ओवर दो गेंदों के बाद 7 रन बने हैं, मार्जिनी कैफ 8 रन बन चुके हैं, मार्जिनी कैफ 100 विन दिस मैच। चलिए देखते हैं, नताई दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई जुड़ने के लिए। बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस बार मार्जिनी कैप बेहतरीन गेंद सीधे बल्ले से उठा के खेलने की कोशिश, मगर पूरी तरीके से बीट हो गए यहाँ पर एलिसा पैरी, और बॉल चला गया सीधा विकेट कीपर की दस्तारे में, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। इनोसेंट साइफ जी आपको हम यहाँ पर लाइव नहीं दिखा सकते भाई, ये थोड़ा सा एडजस्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको लाइव नहीं दिखा सकते। यहाँ पर मार्जिनी कैप की गेंद, और बार भी अच्छी गेंद, स्लोअर बॉल था, अच्छी गेंद गुल्लन पे गिरा था और बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में गई है, और थोड़ा सा दिक्कत पैदा करती हुई है यहाँ पर एलिसा पैरी के लिए। यहाँ पर ताहिर बार ये पार्थ की बॉलिंग सुपर है, जी हाँ यहाँ पर पार्थ की बॉलिंग सुपर है, और उसी तरीके से मार्जिनी कैफ जो कि बेहतरीन गेंदबाज है वो बॉलिंग करता हुआ अपना दूसरा ओवर कंप्लीट करते हुए। तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर एलिसा पैरी ने बॉल को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, सिंगल मिल जाएगा इस बॉल पे, और इसी सिंगल के साथ स्कोर भी 9 रनों तक पहुंच चुका है। ताहिर बसा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि एलिसा पैरी जो ही यहाँ पर 50 रन मारेगा, तो उम्मीद है कि यहाँ पर 50 रन बन जाएगा एलिसा पैरी का। अभी तक एक बड़ा शॉट भी नहीं आया है, चौका नहीं आया है अभी तक, तो देखना होगा कि भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मार्जिनी कैफ का इस ओवर की आखिरी गेंद, और सामना करेंगे इस बार एलिसा हीली, दाहिने हाथ को बैट्समैन को ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार मिडिल स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ निकली बॉल, बॉल को सी यहाँ पर खेल दिया है फाइन लेग की तरफ, सिंगल मिल जाएगा आखिरी बॉल पे भी, और इसी सिंगल के साथ 3 ओवर खत्म हो चुके हैं, 3 ओवर में 10 रन बने हैं सिडनी सिक्सर ओमेन का। दोनों ही सलामी बल्लेबाज यहाँ पर धीमी शुरुआत करते हुए सिडनी सिक्सर के लिए। तो भाई हमारे साथ भाई बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 3 ओवर खत्म हो चुके हैं, 3 ओवर के बाद स्कोर जो है 10 रन बन चुका है सिडनी सिक्सर के, और यहाँ पर निताई जी आपका वॉल्यूम बहुत अच्छा है लगता है, थैंक यू सो मच जी निताई दास जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आप कहाँ से जुड़े हैं कम से कम कमेंट करके मुझे बताने की जरूरत कोशिश कीजिएगा, कौन सी शहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कौन सी देश से, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले 3 ओवर में देखना होगा कि पावर प्ले के दौरान यहाँ पर सिडनी सिक्सर कितने रन बना पाते हैं, और दूसरी छोर से आपको बता दें कि यहाँ पर जो बॉलर बॉलिंग डाल रहे थे स्पिनर को दिया गया था लिली मिल्स को, उसको रिप्लेस कर दिया गया है, और राइट आर्म मीडियम फास्ट दूसरे छोर से भी लगा दिया गया है। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ इस बार यहाँ पर एलिसा हीली को, बॉल को खेल दिया है मिड ऑन के पास सिंगल लेते हुए, ये ही नहीं यहाँ पर सिंगल लेने का कोशिश किया था मगर नहीं मिल पाएगा, लिली मिल्स बॉल को रोका है मिड ऑन पे,
वेस्ट बंगाल से। भाई मैं भी तो वेस्ट बंगाल से निधाय दास जी जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ, मैं भी वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ हूँ। आप वेस्ट बंगाल में कहाँ रहते हैं भाई? बॉलिंग डालता हुआ पास्टेल, और पास्टेल एक अच्छी गेंदबाज है। पिछली मैच में पास्टेल को यहाँ पर आपको बता दें और हवा में खेल दिया है बॉल को डीप स्क्वायर लेग की तरह, पहला चौका इस मैच का। जी हाँ, पहला चौका इस मैच का, और इसी चौके के साथ स्कोर भी 14 रनों तक पहुंच चुका है भाई। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला चौका इस मैच का, और एलिसा हीली ने यहाँ पर लगाया है चौका पास्टेल की गेंद पे। पास्टेल ने पिछली मैच में एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ 16 रन देके एक विकेट निकाला था, तो यहाँ पर उम्मीद होगी पास सॉकर्स की कि यहाँ पर पास्टेल एक विकेट निकाल के दे। नदिया से हमारे साथ जुड़े हैं निदाय दास जी, थैंक यू सो मच प्लेसी नदिया भाई, बहुत ही बढ़िया। नोदिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं निताय दास जी, और थोड़ी ही देर में यहाँ पर आई एम फ्रॉम हैदराबाद, तहसीर बसा जी हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। अदौनी डिस्ट्रिक्ट टाउन से भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। हमार डिस्ट्रिक्ट होच्चे बर्धमान, पश्चिम बर्धमान हमें थी, पश्चिम बर्धमान हमें थी भाई निताय दास। यहाँ पर बेहतरीन सॉ बॉलिंग का नज़ारा, मिडिल स्टैम्प का बॉल था अच्छी उछाल के साथ, सीधे बल्ले से खेल दिया है इस बार मिड ऑफ के मिड ऑन के तरफ, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। एलिसा पैरी काफ़ी दिक्कत पैदा कर रही है दी एलिसा पैरी को, और थोड़ा सा जो है यहाँ पर मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा है यहाँ पर एलिसा पैरी को गेंदबाज करते हुए। रोजगार रिवोल्यूशन हमारे साथ जुड़ चुका है भाई, थैंक यू सो मच भाई। तासीर बसाजी आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं हैदराबाद से, और ये अदौनी टाउन पे रहते हैं, थैंक यू सो मच भाई तासीर बसाजी। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ डालने की कोशिश, छोटी गेंद थी, बॉल को खेल दिया है मिड ऑन के पगल से 4 रनों के लिए। ये दूसरा चौका एलिसा पैरी, काफी देर तक खामोश थी मगर अब जो है इनको जो है बल्ला जो है बोलने लगा है, और इसी चौके के साथ स्कोर जो है यहाँ पर हो चुका है 19 रन 3 ओवर 5 गेंदों के बाद। चलिए देखते हैं भाई आज जीतने का जरूरत है, देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम आज जीतेगी, जो टीम अच्छी खेलेगी वो तो यहाँ पर जीत हासिल करेगी भाई। तो भाई बने रहिए, फिर से एक बार पास्टेल राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल आता हुआ, पार्ट की भी गेंद थी और थोड़ी सी लेग स्टैम्प की तरफ गई बॉल, और बॉल बैट्समैन की जो है एलिसा पैरी की पैड पे लग के विकेट कीपर के पास गई है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। 4 ओवर खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर सिडनी सिक्सर का स्कोर जो है 19 रन बने हैं। पार्थ में चांस नहीं हो रहा है ना सर सेकंड बैटिंग, चलिए देखते हैं भाई यहाँ पर बहुत सर आज न्यूजीलैंड का हारते होवे। जी हाँ भाई निताय दास जी, आज इंडिया जीतेगा भाई, रिकॉर्ड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज एकदम इंडिया ही जीतेगा। इंडिया और आपको बता दें कि इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच है वो खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और इंडिया के जितने भी खिलाड़ी हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, आज अगर मुझे लगता है कि ईशान किशन को चांस मिल सकता है, देखना होगा कि ईशान किशन को चांस मिल सकता है या हार्दिक पांड्या ही आज खेलेंगे, क्योंकि ईशान किशन का रिकॉर्ड बोलता है कि T20 में ईशान किशन का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। तो भाई यहाँ पर बेहतरीन, और यहाँ पर फुल टॉस बॉल दिया था, या पहली गेंद 4 रनों के लिए, पहली गेंद को ही बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया है 4 रनों के लिए एलिसा हीली ने, और इसी चौके की जितना खराब गेंदबाजी यहाँ पर, बहुत ही खराब गेंदबाजी ग्रिफ्थ द्वारा। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लीजा ग्रिफ्थ की ये 100 ओवर की पहली गेंद थी, और जिसमें हवा में खेल दिया था बॉल को 4 रनों के लिए। तो चलिए देखते हैं, बने रहिए, और यहाँ पर फिर से एक बार तासीर बसा जी इंडिया के ऑल मैच दुबई में है। जी हाँ, ऑल मैच दुबई में है, और दुबई में सबसे अच्छा रविचंद्र सिंह को रखा प्रयोजन। भाई निताश दास जी आपको बता दें कि स्पिनर यहाँ पर कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि मैच में आप देखिए रन कितने जल्दी बन रहे हैं, और रविचंद्र अश्विन की वो धार
शानदार गेंदबाजी अभी देखने के लिए नहीं मिला है। हम लोगों ने आईपीएल में भी देखा कि उनकी जो गेंदबाजी है उतना असरदार साबित नहीं हुए, और हम लोगों ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा है कि तेज गेंदबाज को थोड़ा सा फायदा ज़रूर मिलता है। अगर टॉस बहुत अहम हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच जो टॉस है वो बहुत अहम हो जाएगा, कौन सी टीम टॉस जीतेगा, क्योंकि 7:30 बजे से मैच है और ड्यू फैक्टर बहुत मायने रखेगा। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो मैच हुआ था, और इस बीच चौका, इस बीच एलिसा हिरे ने बॉल को खेल दिया है मीर यहाँ पर पॉइंट और कवर के ऊपर से खेल दिया है 4 रनों के लिए, और इसे चौके के साथ स्कोर भी 29 रनों तक पहुंच चुका है 4 ओवर 4 गेंदों के बाद। तो हमारे साथ बने रहिए भाई, काफी खतरनाक मैच यहाँ पर होता हुआ। दुबई में फास्ट बॉलर ही सक्सेस होता है, जी हाँ भाई, यहाँ पर मुझे भी लगता है कि यही हो सकता है। और भारत को टॉस अगर जीतता है तो यहाँ पर बैटिंग कर लेनी या बॉलिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के पास बहुत तेज धारदार गेंदबाज है, और अगर ड्यू फैक्टर नहीं रहेंगे तो जिस जगह पे बॉल फेंकना चाहते हैं उसी जगह पे बॉलिंग कर सकते हैं। फिर से एक बार अच्छी गेंद, और इस बार भी कट किया था बॉल को, ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, हल्का सा बॉल को इस बार खेल दिया था पॉइंट की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। लीजा ग्रिफ बॉलिंग करते हुए इस ओवर में अब तक 10 रन दे चुकी है, तो पावर प्ले, इसके बाद अब पावर प्ले का और एक ओवर बाकी रहेगा। सर जी स्कोर एंड ओवर साइड दिखाओ ना प्लीज, ओवर साइड समझ नहीं पा रहा हूं तहसील बसा जी, और इस बार बॉल को खेल दिया है 4 रनों के लिए, आखिरी बॉल थी और बॉल को चिप प्लेस किया है इस बार फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए, और इसी चौके के साथ स्कोर भी 5 ओवर के बाद 33 रन। सिडनी सिक्सर का धमाकेदार शुरुआत हो चुका है, पहला 3 ओवर अगर देखा जाए तो धीमी शुरुआत किया था, मगर अगले जो 2 ओवर खेले हैं एलिसा हिली और एलिसा पैरी ने धमाकेदार स्टार्ट देने की कोशिश की है। 33 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान 5 ओवर में विदाउट लॉस। अफगानिस्तान भालो खेलचे पाकिस्तानी साथे, जी हाँ भाई आपका जी हाँ भाई, थोड़ा सा बड़ा जरूर कर देंगे, जरूर बड़ा कर देंगे भाई। यहाँ पर आपको बता दें कि 33 रन बन चुके हैं भाई, 33 रन बन चुके हैं 5 ओवर के बाद, और पास यहाँ पर एलिसा पैरी जो कि 9 रनों की स्कोर पे खेल रही है, और एलिसा हिली जो कि यहाँ पर 23 रन बना के खेल रही है। और इस बार लिली मिल्स को फिर से एक बार दोबारा बॉलिंग के लिए बुलाया गया है। लिली मिल्स राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल आता हुआ, बॉल को हल्की सी खेल दिया है इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल लेते हुए, स्ट्राइक को रोटेट किया है एलिसा पैरी ने। तो लिली मिल्स की अगर बात करें तो लिली मिल्स का ये 2रा ओवर है, और पिछली ओवर इनका जानदार रहा था, पिछली ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे और इस ओवर में अब तक 1 रन दे चुकी है। क्या लगता है भाई, बैड लक फॉर इंडिया? जी हाँ निताई दास जी, बैड लक नहीं कहूँगा, दबाव था, बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें था जिसका दबाव भारतीय टीम बर्दाश्त नहीं कर पाया था, मगर आज के मैच में देखिएगा जीत हमारी होगी और इंडिया की ही होगी। तो चलिए देखते हैं, लिली मिल्स बॉलिंग करता हुआ सामना करेंगे एलिसा हिली, राउंड द विकेट बॉल करता हुआ फुल टॉस दिया बॉल को, खेल दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, पहला छक्का इस मैच का, जी हाँ पहला छक्का इस मैच का, वो भी आया है एलिसा हिली की बल्ले से, और इसी छक्के के साथ 40 रन भी पूरे हो गए सिडनी सिक्सर की। तो काफी बेहतरीन यहां पर मैच होता हुआ, क्या कमाल की बैटिंग किया है यहां पर एलिसा हिली ने, 29 रन बना लिया है एलिसा हिली ने 19 गेंदों पे सिर्फ, और यहां पर बॉल को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन लेके स्ट्राइक को रोटेट किया है, एक स्ट्राइक रोटेट करके यहां पर एलिसा पैरी को दिया है जो कि 15 गेंदों पे 10 रनों की स्कोर पे खेल रही है। 5 ओवर 4 गेंदों के बाद 41 रन बन चुके हैं, तो देखना होगा कि अगले 2 गेंदों पे क्या बड़ा शॉट आते हैं कि नहीं, उम्मीद है कि बड़ा शॉट आ जाएगा अगले 2 गेंदों पे, पार टू विन होगा। जी भाई टुडे नॉट अ कटिंग मैच, अफगानिस्तान विन इंडिया विन होगा सियोर मैच। चलिए देखते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान और इंडिया दोनों ही विन हो सकता है,
तो सभी दोस्तों को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करिएगा, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 6 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 6 ओवर के बाद सिडनी सिक्सर वुमेन्स का स्कोर जो है 42 रन बना है विदाउट एनी लॉस। भाई एवरेज स्कोर कितना होगा भाई ड्रीम इलेवन जी, आपको बता दें कि एवरेज स्कोर मोटा मोटी यहाँ पर जिस तरीके से इन दोनों की स्टार्टिंग हुआ है और अगले जो आने वाले बैट्समैन है उसको देखा जाए तो यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं 140 से 150 के बीच हो सकता है एवरेज स्कोर होगा भाई। 140 के ऊपर जाएगा स्कोर, 140 के ऊपर जाएगा स्कोर। तो भाई हमारे साथ जो भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। काफी बढ़िया मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या लगता है कौन सी टीम आज यहां पर विन हो जाएगा, क्या लगता है भाई कमेंट करके हमें जरूर बताइए। यहां पर जितना भाई होगा डिफेंड होगा भाई, चलिए देखते हैं। 5 सॉकर्स के लिए तो ये मैच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सिडनी सिक्सर के लिए ये मैच इंपॉर्टेंट है। बैटिंग करता हुआ एलिसा पैरिस सामना करेंगे इस बार ग्रिफ, जी हाँ हैदर ग्रेहम, हैदर ग्रेहम का, और बॉल को खेल दिया यहाँ पर बैट का एज लेके बॉल चला गया। बात करें तो एक अच्छी गेंदबाज है और यहाँ पर उम्मीद होगी कि एक अच्छी बॉलिंग करे और यहाँ पर विकेट निकाल के दे। भाई हेली आउट नहीं हुए तो 200 भी लग सकता है, जी हाँ भाई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 200 नहीं तो लगेंगे क्योंकि 180 के करीब बन सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये दोनों खेल जाएंगे तो यहाँ पर मोटा मोटी एलिसा पैरी और एलिसा हिली अगर खेलते रहेंगे तो यहाँ पर मोटा मोटी 140 से ऊपर रन बन जाएंगे। भाई 200 तो नहीं होंगे, ठीक बोले हैं आप। निकोलास बोल्टन 4 ओवर बॉल करवे, 4 ओवर नहीं तो 3 ओवर तो डालेंगे जरूर। निकोलास बोल्टन बॉलिंग भी डालता है और बैटिंग भी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी और यहां पर बॉल को फाइन लेग की तरफ खेल दिया है। 2 रन तो आराम से मिलेंगे और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है 6 ओवर 4 गेंदों के बाद 46 रन बन चुका है भाई। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं 3 विकेट ने भी, चलिए देखते हैं 3 विकेट तो नहीं, कम से कम 2 विकेट ले लेगा तो यहां पर निकोलास बोल्टन अगर 2 विकेट निकाल लेगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बॉलिंग करता हुआ हैदर ग्रेहम इस ओवर की अगली गेंद और इस बार बॉल को बॉलर के बगल से खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ और 1 रन मिल जाएंगे भाई। और फिर से एक बार सिंगल लेके स्कोर को स्ट्राइक को रोटेट किया है एलिसा हिली और एलिसा पैरी के बीच, दोनों के बीच 47 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है और हमारे साथ अभी भी 47 भाई जुड़े हुए हैं और सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ली। इस ओवर की आखिरी गेंद हैदर ग्रेहम की, निकोलास बोल्टन हमारे ड्रीम इलेवन टीम पिक अच्छे, चलिए भाई यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और इस बार हाँ में खेल देने की कोशिश, बैट का एज लिया बॉल चला गया थर्ड मैन की तरफ और एलिसा हिली के बल्ले से ये चौका आ चुका है, एलिसा हिली के बल्ले से ये चौका आया है और इसी चौके के साथ स्कोर भी पहुंच चुका है 51 रन, 7 ओवर में ही यहाँ पर 50 रन पूरे हो गए हैं। सिडनी सिक्सर का 7 ओवर के बाद 51 रन बन चुके हैं भाई, 4 यहाँ पर विदाउट एनी लॉस। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप जी हैली को आउट करवाओ, बल्लेबाज को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज काफी इत्मीनान से मैच में बने हुए हैं और खेल भी रहे हैं। अलीना किंग जो कि एक नए गेंदबाज है वो आई है बॉलिंग डालने के लिए, अलीना किंग आई है गेंदबाजी करने के लिए और सामना करेंगे एलिसा पैरी। तो भाई बने रहिएगा, 8वां ओवर स्टार्ट होने वाला है तो देखते हैं क्या होता है। टिप्स बेटिंग एवरी गेम हु विल विन, भाई मुझे लगता है कि यहाँ पर 5 सॉकर्स और सिडनी सिक्सर के बीच मैच बहुत ही दबाव बड़ा मैच होगा और जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ऐसे तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 सॉकर्स जीत सकता है या सिडनी सिक्सर यहाँ पर
दबाव वाला मैच होगा भाई, कुछ भी कहना मुश्किल है इस मैच में, क्योंकि मास्ट विन मैच है सिडनी सिक्सर के लिए। एलिना किंग फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ और यहाँ पर बेहतरीन गेंद डालने की कोशिश, फुल टॉस में लिया है बॉल को, मिड ऑन की तरफ खेल दिया है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ, नॉन कटिंग मैच पास। जी हाँ भाई, यहाँ पर देखते हैं विकेट आएगा इस ओवर में। चलिए प्रदीप चौधरी चौहरी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर विकेट आएगा, तो देखते हैं भाई विकेट आ सकते हैं। एलिना किंग की गेंद, फिर से एक बार फुल टॉस डाला था बॉल को, मगर मिड ऑन पे फील्डर ने मिसफील्ड किया है बॉल को, एक रन मिल जाएंगे इस बार, और इसी एक रन के साथ स्कोर भी 7/3 के बाद 52 रन बन चुका है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैच बहुत रोचक हो जाता है जब भी यहाँ पर आखिर के ओवर आते हैं। तो हमारे साथ अभी तक 5 सॉकर्स के साथ 49% भाई, देखिए मैच हम लोगों का जो भाई है सभी ने वोट किया है और 51 वोट गिरे हैं यहाँ पर पोल पे। और आपको बता दें मैच मगर यहाँ पर दोनों ही बराबर पोजीशन में है, 5 सॉकर्स 49% भाई 5 सॉकर्स के साथ है और 51% भाई जो है वो सिडनी सिक्सर के साथ बने हुए हैं। तो यहाँ पर अपना कीमती पोल जरूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। एलिसा हिली है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे एलिना किंग की, इस ओवर की 5वीं गेंद, स्वीप कर दिया है बॉल को, बॉल चला गया इस बार डीप फाइन लेग की तरफ, कोई फील्डर मौजूद नहीं है वहां पर, 4 रन मिल जाएंगे और इसी चौके के साथ स्कोर भी 56 तक पहुंच चुका है 7/5 गेंदों के बाद। और मास्ट विन मैच है यहां पर सिडनी सिक्सर के लिए, कमाल का स्टार्टिंग मिलता हुआ सिडनी सिक्सर को, 7/5 गेंदों के 56 रन बन चुका है विदाउट एनी लॉस। एलिसा हिली जो कि 39 रनों के स्कोर पर खेल रहे हैं और एलिसा पैरी जो कि 16 रनों की स्कोर पे है। तो भाई थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरह भाई लाइक करो सपोर्ट करो भाई को, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एलिना किंग इस ओवर की आखिरी गेंद के लिए तैयार और इस बार सिंगल लेके इस यहाँ पर ओवर की समाप्ति हुआ है। सिडनी सिक्सर का स्कोर 8 ओवर के बाद 57 रन। टिप्स बेटिंग जी हु विल विन भाई, वो यहाँ पर विन हो सकता है। अभी देखिए दोनों ही बराबरी पे बना हुआ है, 50% लोगों ने कहा है कि 5 सॉकर्स यहाँ पर जीत सकता है सिडनी सिक्सर भी, 50% लोगों का भी आस्था बना हुआ है सिडनी सिक्सर के ऊपर। एलिना किंग डेथ ओवर में 2 विकेट निभे, चलिए देखते हैं एलिना किंग मुझे लगता है कि डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं डालेंगे क्योंकि अभी पोजीशन बहुत ही ख़राब है और एलिना किंग इस ओवर से काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी किया है, तो इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए हैं और मुझे लगता है एलिना किंग कम से कम इस ये ओवर कंटिन्यू करने वाला है, इसके बाद वाला ओवर भी कंटिन्यू करने वाला है। ऐसा अगर पोजीशन रहा सिडनी सिक्सर का तो एलिना किंग डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं डालेंगे। ये है मैं श्योर बोल रहा हूँ क्योंकि बेट मत लगाना जब तक हेली आउट नहीं हो, ये बहुत सॉलिड खेलती है। जी हाँ भाई, ये बहुत सॉलिड खेलती है एलिसा पैरी और एलिसा हिली, और एलिसा हिली 40 रनों की स्कोर पे है, 8 ओवर के बाद स्कोर जो है 57 रनों की तक पहुँच चुका है। फिर से एक बार मार्जिनी कैफ आई है बॉलिंग डालने के लिए, कैफ को बॉलिंग दिया गया है, अपना 3रा ओवर डालती हुई पटकी हुई गेंद थी, बॉल को जोर से पटका और बॉल को खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, सिंगल मिल जाएगा इस बार कड़ी, और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेहतरीन मैच होता हुआ। किंग एयर 4 ओवर कंप्लीट चाय, जी हाँ देखते हैं भाई। मार्जिनी कैफ फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ, इस ओवर की दूसरी गेंद, अच्छी स्लोअर बॉल डाला था, मिडिल स्टंप का बॉल था, बॉल को हल्के बैटों से खेल दिया मिड ऑफ के पास और दौड़ पड़े, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, ड्राइव लगा के पहुंचे और यहाँ पर 1 रन कंप्लीट करता हुआ, जरूर जोखिम लेते हुए क्योंकि बड़ा शॉट यहाँ पर बहुत ही कम लगा पा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। कहाँ से हो भाई आप? प्रदीप जी मैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ भाई। आजाज मोहम्मद जी जोड़ चुके हैं भाई, भाई विकेट चाहिए, जरिए देखते हैं भाई यहाँ पर विकेट सभी को चाहिए और अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा है सिडनी सिक्सर ओमन का, मास्ट विन मैच है सिडनी सिक्सर ओमन्स के लिए। नवीन जी कह रहे हैं कि यहाँ पर सिडनी सिक्सर विन होगा, मुझे भी लगता है क्योंकि बराबरी पे बना हुआ है, 56 लोगों ने यहाँ पर पोल पे हिस्सा लिया है और 56 लोगों में से 50% लोगों 5 सॉकर्स को बोला है कि जीतेगा और 50% लोग सिडनी सिक्सर को कहा है।
तो थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। गार्डेनर कत ओवर बॉल करबे भाई, गार्डेनर को तो मुझे लगता है कि अभी तक बॉल नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर गार्डेनर तो दो ओवर चार ओवर डालेगा जरूर। इसके बाद गार्डेनर पहले बैटिंग तो करने दीजिए, इसके बाद गार्डेनर चार ओवर डालेगा जरूर। अगर यहाँ पर सिडनी सिक्सर को ये मैच जीतना होगा तो गार्डेनर से चार ओवर करवाना बहुत ही जरूरत है। मैच जैकपॉट है, तो चलिए देखते हैं। 60 रन बन चुके हैं 8 ओवर 4 गेंदों के बाद। एलिसा पैरी जो कि 17 रनों के स्कोर पे खेल रही है और एलिसा हिली 42 रनों के स्कोर पे। मार्जिनी कैप इस ओवर की पांचवी गेंद सामना करेंगे एलिसा पैरी। राइट आर्म ओवर द विकेट, मिडिल स्टंप का बॉल, हल्का सा फ्लिक किया था बॉल को, विकेट कीपर के बगल से बॉल निकल गया है थर्ड मैन की तरफ, फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है 61 रन बन चुका है भाई। आई थिंक पांच सॉकर्स में विन भाई, चलिए देखते हैं। पांच सॉकर्स और मेलबोर्न यहाँ पर सिडनी सिक्सर के बीच ये मैच काफ़ी रोचक होगा, क्योंकि मैच अभी भी कोई नहीं कह सकता कि किस तरफ जाएगा। सिडनी सिक्सर के लिए ये मास्ट विन मैच है, जहाँ के पांच सॉकर्स ऑलरेडी अगर जीत जाता है तो 9 पॉइंट हो जाएंगे पांच सॉकर्स। तो दो पॉइंट गंवाना नहीं चाहेगी पांच सॉकर्स यहाँ से। और यहाँ पर बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है सिंगल लेते हुए आखिरी गेंद पे, और इसी के साथ सिडनी सिक्सर ओमेंस का 62 रन 9 ओवर के बाद। जिस अंदाज से यहाँ पर 7 ओवर में 50 रन बन गए थे, और देखा जाए तो इस ओवर में अगर देखा जाए तो इस ओवर की रन की गति जो है थोड़ा सा स्लो हुआ है। इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए हैं, पिछली ओवर में हम लोगों ने देखा सिर्फ 6 रन आए हैं, तो यहाँ पर रन की गति पे रोक लगाने में कामयाब हुआ है पांच सॉकर्स। और यहाँ पर चाहिए तो पांच सॉकर्स को विकेट चाहिए, क्योंकि अगर विकेट नहीं मिलेंगे तो ये स्कोर जो है बहुत आगे तक चल जाएगा। तो भाई यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस मैच के बारे में, तो उससे पहले आपको बता दें कि लाइक ज़रूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें करते रहिए और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अलीना किंग आई है बॉलिंग डालने के लिए। अलीना किंग की इस ओवर की पहली गेंद, बॉल को थोड़ा सा स्टेप आउट करके बॉल को खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर रीजन में, और यहाँ पर दो रन की मांग और यहाँ पर दो रन कंप्लीट करते हुए, और इसी दो रनों के साथ स्कोर जो है 64 रन बन चुका है 9 ओवर एक गेंदों के बाद। और यहाँ पर भाई ने लाइक करके 20 लाइक तक पहुँचा दिया है, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। विकेट आने वाला है, चलिए अजीज मोहम्मद मोहम्मद जी कह रहे हैं कि विकेट आने वाला है, तो कितना विकेट आने वाला है देखना पड़ेगा भाई। एलिना किंग फिर से एक बार बॉलिंग करने के लिए तैयार। एलिसा हिली 45, देखिए देखते देखते एलिसा हिली का 45 रन बन चुका है और अब यहाँ पर 50 रन की नज़दीक पहुँच चुकी है। एलिना किंग की गेंद, फुल टॉस बॉल, बॉल को खेल बन चुका है, जी हाँ यहाँ पर 68 रन बन चुका है 9 ओवर 2 गेंदों के बाद। एलिसा हिली 49 रनों के स्कोर पे, और यहाँ पर जरूरत है तो यहाँ पर विकेट की, सभी की जरूरत है तो यहाँ पर विकेट की भाई पे जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ और एलिसा हिली का यहाँ पर सिंगल लेके एलिसा हिली ने अपना 50 रन पूरे कर लिए भैया। 100 रनों का पार्टनरशिप होना चाहिए, चलिए निताय दास जी देखते हैं। 100 रनों का अगर पार्टनरशिप बन जाएगा तो मजा आ जाएगा भाई। 9 ओवर 3 गेंदों के बाद 59 रन बन चुका है, और इस बीच आपको बता दें एलिसा हिली का 50 रन बन चुका है, चेस होगा पार्ट विन, चलिए देखते हैं। एलिसा पैरी है स्ट्राइक पे, एलिना किंग की इस ओवर की अगली गेंद, इस बार थोड़ा सा फ्लाइटेड डाला रहा बॉल को स्टेप आउट करके, देखा कि बैक ऑफ आ लेंथ बॉल डाल रहे हैं तो थोड़ा सा स्टेप आउट करके बॉल को खेल रहे हैं यहाँ पर एलिसा पैरी, और इसी सिंगल के साथ 70 रन बन चुका है। तो सभी दोस्तों को मैं बोलूंगा भाई लाइक करो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एलिना किंग एक अच्छी गेंदबाज है और देखना होगा कि आज इस मैच में इनको विकेट मिलते हैं कि नहीं। एलिसा पैरी और एलिसा हिली ने काफ़ी शानदार शुरुआत किया है सिडनी सिक्सर के लिए, और दोनों ही सलामी बल्लेबाज मौजूद है मैदान पे और स्कोर को 71 तक पहुंचा दिया है। एलिना किंग बॉलिंग करता हुआ एलिसा पैरी को इस ओवर की आखिरी गेंद, और पैर की तरफ बॉल किया था, बॉल को खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, सिंगल लेके ओवर की समाप्ति हो चुके हैं। 10 ओवर के बाद सिडनी सिक्सर ओमेन का 72 रन बने हैं विदाउट एनी लॉस।
तो भाई यहाँ पर लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ 58 भाई जुड़ चुके हैं, और सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, बेहतरीन मैच आज देखने के लिए मिल सकेगा। क्या लगता है भाई कौन सी टीम आज विन होगा? देखिए भाई ने लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच भाई। ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, जी हाँ ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, 10 ओवर के बाद मैच बदल सकता है, विकेट भी गिर सकता है। तो हमारे साथ जो भाई बने हुए हैं, अब हीली आउट नहीं हुआ, बहुत छः मारेगा। जी हाँ भाई, हीली अगर आउट नहीं होते हैं तो यहाँ पर छः मारेगा, क्योंकि तो भाई यहाँ पर जब तक यहाँ पर मैच स्टार्ट हो उससे पहले आप लोग जल्दी से जल्दी 25 लाख पूरा कर दे। फास्ट विकेट ग्रेहम लेगा, चलिए देखते हैं कौन लेता है। अब हीली आउट नहीं हुआ तो छह मारेगा, जी हाँ भाई बहुत ही जरूर मारेगा और बहुत जोर से मारता है। प्रदीप जी विकेट टेकर को लाओ, जी हाँ भाई विकेट टेकर कौन है भाई? यहाँ पर विकेट टेकर बॉलर सभी बॉलर जो है विकेट टेकिंग करते हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर अब तक जो है छह गेंदबाज को यूज कर दिया है। एलिना किंग ने दो ओवर डाले हैं, हैदर ग्रेहम ने एक ओवर डाले हैं, लीजा ग्रिप ने एक ओवर डाले हैं, तो यहाँ पर पास्चेल ने एक ओवर डाले हैं, लिली मिल्स ने एक ओवर डाले दो ओवर डाले हैं, और मार्जिनी कैप ने तीन ओवर डाल चुके हैं। मुझे लगता है गुलशन साहनी जी कैप का कैच ड्रॉप हुआ है। जी नहीं भाई, कैप का कैच ड्रॉप जरूर हुआ था, कोई कैच तो अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ है, देखने के लिए नहीं मिला है भाई। मैं पहले से मैच देख रहा हूँ, अभी तक तो कैप का कोई कैच मैच मिस नहीं हुआ है। हैदर ग्रेहम बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, और सामना करेंगे इस बार एलिसा पेरी। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस ओवर की तीसरी गेंद, बॉल को सीधे बल्ले से खेला था मगर मिड ऑन पे सिली मिड ऑन पे फील्डर लगाया गया है और यहाँ पर बॉल को रोका गया है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो थैंक यू सो मच भाई। ग्रेहम फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ, हैदर ग्रेहम, और सामना करेंगे एलिसा पेरी इस ओवर की चौथी गेंद। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, अच्छी गेंद, बॉल को खेल दिया है मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश, और फील्डर वन बाउंस चार रनों के लिए। बहुत ही उमदा शॉट यहाँ पर एलिसा पेरी का, और इसी चौके के साथ स्कोर भी हो चुका है 76 रन। 10 ओवर 4 गेंदों के बाद यहाँ पर 76 रन बन चुका है। थोड़ा सा स्टाइल रोट यहाँ पर भैया जो मोमेंटम है मैच का वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। एलिसा पेरी ने इस बार चौका लगाया, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाज है यहाँ पर ग्रेहम, मगर आज उनका जो है कोई बल्ले गेंदबाजी काम नहीं आ रही है। अब तक 6 गेंदबाज को यूज़ किया है 5 सॉकर्स ने, मगर किसी ने कोई सफलता दिलाया नहीं है अभी तक। वो बहुत दूर था भाई, बहुत ही दूर था, और यहां पर आखिरी बॉल पे उठा दिया है डीप मिड विकेट की तरफ 6 रनों के लिए। यहां पर फिर एक छक्का लगाता हुआ एलिसा पेरी ने, और इसी छक्के के साथ स्कोर भी यहां पर हो चुका है 83 रन बन चुका है भाई 11 ओवर के बाद। बहुत ही उमदा छक्का यहां पर एलिसा हिली ने लगाया है। एलिसा हिली ने हिली के इस छक्के के साथ स्कोर जो है एलिसा हिली 57 रनों के स्कोर पे 33 गेंदों के बाद 172 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता हुआ एलिसा हिली। तो भाई हमारे साथ जो भाई बने हुए हैं सभी को बोलेंगे लाइक जरूर करिए, रन के पहले विकेट आएंगे भाई। 183 रन बन चुके हैं 11 ओवर के बाद, अब विकेट का सपना कहां देख रहे हैं भाई। यहां पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए। सोफिया डिवाइन क्यों खुद नहीं गेंदबाजी करने आ रही हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। हेली में बता रहा हूं, बहुत लंबे छक्का मारेंगी ये, जी हाँ भाई। लीजा ग्रिथ बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की पहली गेंद, और इस बार स्लोअर बॉल डाला था, गुड लेंथ की बॉल थी, अंदर की तरफ आई, बॉल को खेल दिया है बैट के किनारे से, पॉइंट की तरफ सिंगल मिल जाएगा। अलीना किंग ने यहाँ पर बॉल को फील्ड किया है। सोफिया डिवाइन को खुद आने चाहिए भाई बॉलिंग डालने के लिए, बॉलिंग तो करती है आज क्यों नहीं आ रही है ये समझ में नहीं आ रहा है।
लीजा गिरफ्त फास्ट विकेट लेगा, एक स्पोर्ट्स जी भाई देखते हैं भाई लीजा लीजा गिरफ्त और सारे फील्डर जो है बाउंड्री लाइन पे लगा दिया गया है एलिसा हीली के लिए। हीली यहां पर सामना करेंगी लीजा ग्रिफ्थ की गेंदबाजी का। भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस ओवर की अगली गेंद और इस बार फुल टॉस दिया था ऑफ साइड में और बॉल बॉल का भरपूर फायदा उठाया, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेल दिया है बॉल बैट का एजी लेके और यहाँ पर दो रन आराम से कंप्लीट करता हुआ और इसी के साथ स्कोर भी यहाँ पर बनता हुआ 86 रनों तक बन चुका है 11 ओवर दो गेंदों के बाद 86 रन बन चुका है भाई विदाउट एनी लॉस। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ यहाँ पर लीजा ग्रिप और सामना करेंगे हीली, दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं हीली और अब तक जो है 59 रनों की स्कोर पे है। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ एलिसा हीली को और इस बार विकेट के पीछे से खेलने की कोशिश मिसफील्ड हुई है और यहां पर चौका मिल चुका है और 90 रन बन चुके हैं भाई। अब देखना होगा ये बाई चौका मिला है वाइड और फोर, जी हाँ वाइड एंड फोर, टोटल 5 रन आए हैं इस गेंद से और 5 रनों के साथ स्कोर जो है 91 रन बन चुके हैं। विशाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, विशाल जी जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लीजा ग्रिप से लगातार बातचीत करते हुए सोफिया डिवाइन और होता हुआ दिख रहा है तो हम उम्मीद करेंगे कि एक अच्छी मैच यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। ग्रिफ्त अभी तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाई है, इस बार छोटी गेंद थी क्विकर डिलीवरी, हल्के से बैकफुट में जाके बॉल को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, सिंगल मिल जाएगा इस बार भी। लगातार सिंगल लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं एक अच्छा स्टार्टिंग दे चुका है और यहां से स्कोर 180-190 तक आराम से ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए और इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई। हमारे साथ जो भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर कर देना, अच्छी गेंदबाजी यहां पर होता हुआ, लगातार बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर चलता हुआ। इस ओवर की आखिरी गेंद है लीजा ग्रिफ्थ बॉलिंग करते हुए और सामना करेंगे हीली जो कि यहां पर 60 रनों की स्कोर पे है, 60 रन बना के खेल रही है। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस ओवर की अगली गेंद, इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट करके बॉल को आखिरी मोमेंट पे खेल दिया है थर्ड मैन की तरफ, 4 रन मिल जाएंगे और इसी चौके के साथ स्कोर भी यहां पर बढ़ता हुआ 97 रन बन चुके हैं भाई। होता ही नहीं होते हुए, जी हाँ भाई रिंकू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक भाई जुड़े हुए हैं जिन्होंने लाइक किया है, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए जो भाई अभी अभी लाइक किया है और इसी तरह भाई लाइक करते जाइए और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। और 8 ओवर का मैच अभी भी बाकी है, क्या लगता है भाई कौन सी टीम आज यहाँ पर विन हो सकता है? सिडनी सिक्सर की ताबड़तोड़ स्टार्टिंग हो चुका है क्योंकि 12 ओवर में 97 रन बन चुके हैं और एक भी विकेट यहां पर गया नहीं है और थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह भाई लाइक करते जाइए और सपोर्ट हमें करते जाइए। यहां पर नए गेंदबाज को लाया गया है, मुझे तो लगता है पास्टेल जो कि तेज गेंदबाज पास्टेल को लाया गया है, पास्टेल ने अपना पहला ओवर खत्म किया था और ये इनका दूसरा ओवर है, पास्टेल का ये दूसरा ओवर है, पहली ओवर में 9 रन दिए थे तो देखना होगा कि इस ओवर में कैसे गेंदबाजी करते हैं। पास्टेल बॉलिंग करते हुए सामना करेंगे एलिसा पैरी, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ कप्तान को, इस बार फुल टॉस में बॉल दिया था, बॉल को ड्राइव कर दिया है कवर के बगल से, बॉल निकल गया है 4 रनों के लिए और इसी चौके के साथ स्कोर भी 100 रन पूरे हो गए भाई, 101 रन बन चुके हैं 12 ओवर एक गेंदों में ही। यहां पर भाई लाइक जरूर कीजिएगा, बेहतरीन शॉट एलिसा पैरी का, 101 रन सिडनी सिक्सर का बन चुका है सिर्फ और सिर्फ 12 ओवर एक गेंदों में विदाउट एनी लॉस। ये किंग विकेट लेगी क्या,
भाई ये किंग का दो ओवर हो चुके हैं, मगर अच्छी गेंदबाजी किया है। अब देखना होगा एलिना किंग को जो है कब गेंदबाजी दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक भी विकेट आउट नहीं हुए हैं। जरूरत है पास सॉकर्स का, एक विकेट का, इस साझेदारी को तोड़ने का। अगर ये साझेदारी नहीं तोड़ पाए 15 ओवर तक, तो स्कोर 170, 180 क्या 190 तक भी पहुंच सकता है। कहा कि दोनों ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। एलिसा पैरी सामना करेंगे यहाँ पर पास्चर की गेंद का। ओमन क्रिकेट टीम सबसे खतरनाक बैट्समैन है हिली, जी हाँ, आउट नहीं हुए। 200 के पास भी स्कोर बहुत ही बन सकते हैं, लंबे मारेंगे। जी हाँ भाई, यहाँ पर आपके साथ मैं सहमत हूँ, और सभी को सब अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। देखते हैं, पैरी सामना करेंगे पास्चल की गेंद का। पास्चल अच्छी गेंदबाज है, मगर अभी तक सोफिया डिवाइन के हाथ में विकेट जैसी उपहार थमा के नहीं दिया है। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डाला था, बॉल अंदर की तरफ आई तेज और बॉल को सीधे बल्ले से खेल दिया है। बॉल चला गया है मिड ऑन की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। ताहिर बसाजी होगा, चलिए देखते हैं भाई यहाँ पर कितने रन होंगे। ताहिर बसाजी कह रहे हैं 150 से 160, मुझे तो लगता है इससे भी ज़्यादा रन बच जाएंगे अगर ये दोनों 15 ओवर तक रह गए तो। एलिसा हिली जो कि 64 रनों के स्कोर पर खेल रही है, और एलिसा पैरी जो कि 31 रनों के स्कोर पर है, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। राइट अप ओवर द विकेट बॉलिंग करता हुआ एलिसा पैरी को। एलिसा पैरी ने इस बार फिर से एक बार लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, बॉल को हल्के से स्क्वायर लेग की तरफ खेला था, मगर इस बार फील्डर मौजूद है बॉल को रोकने के लिए। कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। और इसी डॉट बॉल के साथ 12 ओवर 3 गेंदे हो चुके हैं, 12 ओवर 3 गेंदों के बाद 101 रन बन चुका है भाई। तो भाई और यहाँ पर लाइक जरूर करते जाइएगा, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें करते जाइएगा, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। अभी तक एक भी विकेट नहीं गया है सिडनी सिक्सर का, तो ताबड़तोड़ स्टार्ट होता हुआ, मगर एलिसा पैरी 31 रनों के स्कोर पे दो डॉट गेंदे खेल चुकी है। राइट अप ओवर द विकेट पास्टल की, इस बार ओ यहाँ पर विकेट, एलिसा पैरी जिस विकेट की तलाश थी, और यहाँ पर विकेट लेते हुए पास्टल जिस विकेट की तलाश थी, साझेदारी तोड़ने की जरूरत थी, और यहाँ पर एलिसा पैरी आउट होते हुए 31 रनों के स्कोर पे क्लीन बोल्ड होता हुआ। जी हाँ, क्लीन बोल्ड होता हुआ एलिसा पैरी पास्चेल की गेंद पे पुल करने की कोशिश किया था, मगर अच्छी गेंद पूरी तरीके से यहाँ पर बीट हुए और बॉल विकेट पे लगा। तो पहला विकेट यहाँ पर गिरता हुआ सिडनी सिक्सर का 101 पे एक। जी हाँ, ताहिर बसाजी यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं, तो लाइक जरूर करें भाई, यहाँ पर लाइक करते जाइए, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैच बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। अगले कुछ पलों में यह मैच काफी रोचक हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा भाई हमारे साथ कौन कौन भाई जुड़े हुए हैं, और कौन यहां पर हमें लाइक करके सपोर्ट करते हैं। नए बल्लेबाज मैदान पे आ चुके हैं गार्डनर, जिनको ऊपर की क्रम में आते हैं, और ये भी काफ़ी ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। विकेट गया, विकेट गया, जी हाँ प्रदीप जी विकेट चला गया है। तो आप कहाँ हैं थे भाई। पास्चेल इस ओवर की पांचवी गेंद, और सामना करेंगे गार्डनर जो कि एक दाहिने हाथ के खिलाड़ी है। गार्डनर को लेग स्टंप पे बॉल पिच हुई, गेंद पैड पे लगा, मगर कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई यहाँ पर लाइक जरूर करें यहाँ पर, और सिर्फ 50 लाइक का जो टारगेट है उसको पूरा कर दे भाई, जल्दी से जल्दी। देखते हैं 50 लाइक का टारगेट जो है कितने भाई यहाँ पर पूरे करने के लिए तैयार है। 12 ओवर 5 गेंदे हो चुके हैं। पास्चेल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, एलिसा पैरी जो 31 रन बना के खेल रही थी वुड को आउट कर दिया है। मतलब ओपनिंग साझेदारी जो है वो सेट बैट्समैन थी, पूरी तरीके से मैदान पे सेट हो चुकी थी, उसको आउट कर दिया है। अब यहाँ पर देखना होगा कि गार्डनर क्या कमाल करते हैं। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। और इस बार फिर से एक बार लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद, बैक फुट पे जाकर बॉल को खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल लेग के स्ट्राइक अपने पास रखा है गार्डनर ने, और इसी सिंगल के साथ स्कोर 13 ओवर के बाद 102 रन एक विकेट के नुकसान पर बढ़ा है।
तो हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं और हम बात करेंगे यहाँ पर। जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अभी भी 7 ओवर बाकी है इसमें, यहाँ पर सिडनी सिक्सर को बैट करना है। 7 ओवर में अगर 70 रन भी आते हैं तो यहाँ पर 170-180 के करीब रन बन जाएंगे। आपको क्या लगता है भाई कितने रन बनेंगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 102 भाइयों ने यहाँ पर पोलिंग में हिस्सा लिया है, जहाँ पर 51% भाइयों ने कहा है कि यहाँ पर पार्थ सॉकर्स ओमन जो है जीत सकता है, और 49% भाइयों ने कहा है कि यहाँ पर सिडनी सिक्सर जो है जीत सकता है। तो यहाँ पर मैच अभी भी 50-50 ही बोल सकते हैं इसको, 50-50 बना हुआ है। तो आप भी पोल पे हिस्सा ले सकते हैं और अपना जो मूल्यवान मतामत है उसको दे सकते हैं। एलिना किंग आई है गेंदबाजी करने के लिए, अपना 3rd ओवर डाल रही है एलिना किंग आई है भाई गेंदबाजी करने के लिए। भाई सीधा ही तो दिखाई दे रहा है भाई, और इसको कैसे सीधा करे भाई, मुझे तो टेढ़ा कहीं से नहीं लग रहा है स्कोर बोर्ड। बेहतरीन गेंदबाजी होता हुआ, आपको बता दे 13 ओवर 2 गेंद हो चुके हैं, 103 रन 1 विकेट के नुकसान पे। एलिसा हिली इस बार सामना करेंगी यहाँ पर एलिना किंग की गेंदबाजी का। तो भाई लाइक जरूर करिएगा, और सिर्फ यहाँ पर 19 लाइक का जरूरत है। इस बार थोड़ी सी स्टेप आउट करके एलिना यहाँ पर खेल दिया था बॉल को मिड ऑफ की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। बेहतरीन शॉट यहाँ पर, मगर गैप निकालने में कामयाब नहीं है एलिसा हिली। 64 रन बने हैं एलिसा हिली का। थैंक यू प्रवीण पुरोहित जी, थैंक यू सो मच। एलिना किंग की गेंद इस बार थोड़ी सी जो है तेज आई थी गेंद, और इस गेंद पे थोड़ा सा परेशान दिखा एलिसा हिली को। बल्ला आगे लेके गया था, बैट का किनारा लिया, बॉल चला गया पॉइंट की तरफ, 1 रन जरूर मिला है, मगर थोड़ा सा इस गेंद पे परेशान किया था एलिसा हिली को एलिना किंग ने। भाई हमारे साथ विवेक शर्मा जी जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई विवेक शर्मा जी जुड़ने के लिए। और काफ़ी अच्छी यहाँ पर मैच चलता हुआ, और सिडनी सिक्सर का जिस तरीके से शुरुआत हुआ था, अब इस ओवर में थोड़ा सा रन की गति जो है वो कम होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर एक लाइक जरूर किया है भाई ने, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। एलिना किंग इस ओवर की आखिरी गेंद, और सामना करेंगे गार्डनर। ज्ञान जी साहिल सहानील सहानीला ज्ञान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एलिना किंग की इस ओवर की अगली गेंद, ओवर द विकेट बॉल करता हुआ फ्लाइटेड गेंद, बैट का किनारा लिया, विकेट के पीछे से बॉल चला गया है फाइन लेग की तरफ, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। शॉर्ट फाइन लेग में फील्डर ने बॉल को रोक लिया था। सिडनी सिक्सर का स्कोर 14 ओवर के बाद 104 रन। और आपको बता दें इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन दिए हैं एलिना किंग ने। कमाल की गेंदबाजी किया है एलिना किंग ने, विकेट भले ही ना मिला हो मगर अच्छी इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग किया है, 6.6 का इकोनॉमी रेट से बॉलिंग किया है। एलिसा हिली 39 गेंदों पे 65 रनों की स्कोर पे खेल रही है, और गार्डनर जो कि 6 गेंदों पे 2 रनों की स्कोर पे। बाकी के अगले 6 ओवर क्या होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए भाई। और 2 भाइयों ने लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच भाई। 174 तक, जी हाँ साजिद इकबाल जी, मुझे भी लगता है कि अगर 6 ओवर में ताबड़तोड़ बैटिंग किया जाए तो यहाँ पर स्कोर को 170 तक जरूर पहुँच सकता है। आउट नहीं, 2 ओवर तो 100 सिक्सर विन करेगा। चलिए देखते हैं भाई साजिद जी क्या कैसी बोली। यहाँ पर नए बॉलर आए हैं मार्जिनी कैफ, अपना आखिरी ओवर डालने के लिए। तीन ओवर में मार्जिनी कैफ की अगर बात करें तो 3 ओवर डाल चुकी हैं, और 3 ओवर में मार्जिनी कैफ ने 12 रन दिए। तो यहाँ पर सटीक गेंदबाजी किया है, 4 की इकोनॉमी रेट से बॉलिंग डाला है। ये आखिरी ओवर है मार्जिनी कैफ का, अब देखना होगा क्या करते हैं एलिसा हिली। ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जाने जाते हैं एलिसा हिली, और सामना करेंगे मार्जिनी कैफ की गेंदबाजी का। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस ओवर की पहली गेंद, थोड़ा सा स्टेप आउट करके सोआर डाल दिया था बॉल को देखते ही, और बॉल को खेल दिया है मिड ऑन या पर लॉन्ग ऑन की तरफ, सिंगल लेता है हुए एलिसा हिली ने स्ट्राइक को रोटेट किया है।
तो हमारे साथ बने रहिएगा। मार्जिनी कैप से बातचीत करते हुए सोफिया डिवाइन जानते हैं यहाँ पर से रन को रोका जा सकता है अगर विकेट लिया जाए तो। विकेट की तलाश होगी मार्जिनी कैप और सोफिया डिवाइन दोनों को। खास करके मार्जिनी कैप चाहेगी कि अपना जी ये आखिरी ओवर है, इस ओवर में एक विकेट अंततः तो यहाँ पर निकाल ले। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर की दूसरी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पे पिच भी गेंद थी। गार्डनर ने इस बार बॉल को खेल दिया है मिड ऑफ के तरफ ऊपर से और यहाँ पर दो रन तो आराम से मिल जाएंगे, देखना होगा। जी हाँ, यहाँ पर दो रन आराम से लेती हुई और इसी दो रनों के साथ स्कोर भी 107 तक पहुँच चुका है। तो भाई यहाँ पर लाइक जरूर कीजिएगा और यहाँ पर लाइक करते जाइए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर होता हुआ। मार्जिनी कैप को तलाश है तो एक विकेट का और निकालना चाहेगी गार्डनर जो कि यहाँ पर चार रनों की स्कोर पे है। दाहिने हाथ के खिलाड़ी को दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बॉल करता हुआ और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाज है। यहाँ फिर से एक बार पॉइंट की दिशा में खेला था मगर 30 गज के दायरे के अंदर बहुत ही उमदा फील्डिंग और कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। और थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह भाई लाइक करते जाइए और सपोर्ट हमें करते जाइए। बेहतरीन गेंद यहाँ पर, फिर से एक बार मार्जिनी कैप, सामना करेंगे गार्डनर। क्या गार्डनर इस बॉल पे एक बड़ा शॉट लगा सकता है और इस बार हवा में खेल दिया है मिड ऑफ के ऊपर से मगर इस बार भी दो रन की मांग है और दो रन लेती हुई गार्डनर दो रन ले लिया है। कोशिश तो जारी है बड़ी शॉट का क्योंकि जानता है कि यहाँ पर से अगर बड़ा शॉट नहीं लगा तो स्कोर को कम से कम 150 तक तो ले जाना चाहेगी। सिडनी सिक्सर ओमेंस की खिलाड़ी जो है यहाँ से तो स्कोर को 160-170 तक तो ले जाना चाहेगी क्योंकि एक अच्छा स्टार्टिंग हो चुका है। बावजूद यहाँ पर एक अच्छी गेंदबाजी करता हुआ यॉर्कर डाला था इस गेंद को, कोई रन नहीं, सीधा बल्ले से खेला है बॉलर के हाथ में। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करिएगा, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करे। साजिद इकबाल जी कह रहे हैं एक बार बताओ 174 जाएगा। भाई यहाँ पर उम्मीद तो है एक बड़ा शॉट, एलिसा हिली जब मौजूद है मैदान पे तो 170 तो आराम से जा सकते हैं। मार्जिनी कैप की इस ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे गार्डनर। गार्डनर ने इस बॉल को खेल दिया है मिड ऑफ के पास और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और यहाँ पर सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रखा है गार्डनर। जितना अच्छे जितना ज़्यादा हो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक जो है एलिसा हिली को लेना चाहिए क्योंकि इनके ये पूरी तरीके से सेट हो चुकी है और ये बड़ी शॉट ले सकते हैं। स्कोर 110 रन बने हैं भाई यहाँ पर 15 ओवर के बाद। अगले जो 5 ओवर बाकी है मतलब 30 गेंदे बाकी है और 30 गेंदों में यहाँ पर कम से कम 40-50 रन तो ज़रूरत है। इजाज मोहम्मद जी हेली का विकेट लो भाई, चलिए देखते हैं। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा और जल्दी से जल्दी लाइक करके 50 लाइक तक का टारगेट जो है आज अब तक का जो टारगेट है 50 लाइक का पहली सेशन में तो उसको पूरा कर दीजिए। मैच का पहला इनिंग्स पहला 20 ओवर में 50 लाइक का जो टारगेट है उसको पूरा कर दीजिएगा। एलिना किंग आई हैं गेंदबाजी करने के लिए और सामना करेंगे गार्डनर। क्या लगता है भाई इस ओवर में बड़ा ओवर आ सकता है या विकेट आ सकता है? जरूरत है यहाँ पर 170-175 रन अगर पहुँचना है तो एक बड़ा ओवर की ज़रूरत है। एलिना किंग और यहाँ पर हाथ से लग के बॉल छूट गया है, कैच छूटा है गार्डनर का। एक रन जरूर मिला है मगर गार्डनर का कैच छूटा है एलिना किंग की हाथ से। कॉटन बोल्ट का चांस मिला था, फ्लाइटेड गेंद थी, विद द स्पिन बॉल को खेल दिया था सीधा बॉलर के हाथ में मगर हाथ से छूट गया है कैच, कैच ड्रॉप हुआ है। एक रन जरूर मिला है गार्ड यहां पर एलिसा हिली। जी हां एलिसा भाई अच्छा कमेंट्री कर, थैंक यू खालिद राजा जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बने रहिए। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। और आपको बता दें एलिसा हिली 68 रनों की स्कोर पे है और सामना करेंगी यहाँ पर एलिना किंग की गेंदबाजी का। ये आखिरी गेंद यहाँ पर, ये आखिरी ओवर है एलिना किंग का, काफ़ी अच्छी गेंदबाज है और देखना होगा कि इस बार एलिसा हिली जो है यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी का फ़ायदा उठा पाता है कि नहीं। हार्ड हिट करने की कोशिश मगर बॉल चला गया है मिड ऑफ के पास, कोई रन नहीं मिलेगा।
लगातार कोशिशें जारी है, मगर एलिना किंग मौका नहीं दे रहे बड़ी शॉट खेलने का। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं एलिसा हिली। राइट आउट, ओवर द विकेट बॉल करता हुआ इस बार आगे निकल का है, बॉल को खेल दिया है बॉलर के सर के ऊपर से, सीधा बल्ले से खेला है, मगर चार रन नहीं मिलेंगे, दो रन मिलेंगे और इसी दो रनों के साथ 115 रन। भाई बड़ा शॉट तो लगा रहे हैं, लग नहीं रहा है बल्ले पे, तो 115 रन बने हैं 15 ओवर 5 गेंदों के बाद। जरूरत है तो यहां पर बड़ा शॉट का। एलिना किंग जो कि यहां पर कमाल की गेंदबाजी करते हुए अभी तक इस ओवर में 5 रन आ चुके हैं, 5 गेंदों पे 5 रन दे चुके हैं। और इस बार रिवर्स स्वीप, बहुत ही बढ़िया शॉट, रिवर्स स्वीप किया है बॉल को। अब देखना होगा, यहां पर 2 रन तो आराम से ले लिया है, बहुत ही उम्दा तरीके से यहां पर एलिसा हिली ने रिवर्स स्वीप किया था और इसी 2 रनों के साथ एलिसा हिली पहुंच चुकी है 72 रनों की। और यहां पर चौका, भाई 2 रन ही यहां पर चौका मिला है और इसी चौके के साथ 119 रन बन चुके हैं। आखिरी बॉल पे चौका लगाया है एलिसा हिली ने और इसी चौके के साथ स्कोर जो है 74 रनों तक पहुंच चुका है एलिसा हिली का स्कोर सिडनी सिक्सर का 119 पे 1। 16 ओवर के बाद एलिना किंग आखिरी बॉल पे चौका देके थोड़ा सा महंगे हुए क्योंकि इस ओवर में 9 रन आए हैं सिडनी सिक्सर का और 4 ओवर बाकी है। 4 ओवर में कितने रन आएंगे भाई, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ओ हेलो पार्थ जीतेगा, जी हाँ कैथी तैयब जी यहाँ पर जीत सकता है। टारगेट 134 से ज़्यादा होगा भाई, 134 से तो ज़्यादा होगा। मैंने कहा था कि 140 से ऊपर जाएगा रन, मगर देखना होगा कि कितना रन बनता है। और यहाँ पर भाई ने लाइक करके सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह भाई लाइक करो, सपोर्ट करो भाई को, तो जितनी ज़्यादा लाइक हो सके करते रहिए। देखते हैं, 4 ओवर बाकी है अभी भी और यहाँ पर गार्डनर और एलिसा हिली दोनों ही बल्लेबाज मौजूद हैं मैदान पे। गार्डनर सामना करेंगी यहाँ पर तेज गेंदबाजी का। पास्चेल आए हैं बॉलिंग डालने के लिए, अपना 3रा ओवर कंप्लीट करेंगे पास्चेल। पिछली ओवर में इन्होंने एक ही विकेट निकाला था, वो भी एलिसा पैरी का। राइट अप, ओवर द विकेट बॉल करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, स्लोअर बॉल डाला था, शॉर्ट ऑफ लेंथ डाली थी बॉल को, पुल करने की कोशिश किया था बैट का किनारा लेके, बॉल वहीं पे रह गया, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। 17वें ओवर की पहली गेंद यहां पर डॉट से शुरुआत किया है। जी हां, यहां पर पास्चेल की गेंदबाजी छोड़ के देखा जाए तो किसी की गेंदबाजी में वो पहना पर नहीं दिखाई दिया, वो धार नहीं दिखाई दिया जिससे विकेट ले सकते हैं। तो भाई पार्थ के फिर से एक बार पास्टेल बॉलिंग करता हुआ गार्डनर को राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी लेंथ पे डाला था बॉल को, सीधा विकेट कीपर के पास गया है, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। लगातार 2 गेंदे डॉट डाल दिया है यहाँ पर पास्टेल ने। तो भाई यहाँ पर जल्दी से जल्दी 11 लाइक की जरूरत है, 50 लाइक का जो टारगेट है इस आप में तो वो पूरा कर दीजिए, लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं कौन भाई है जो यहाँ पर हमें लाइक करके 50 लाइक तक जल्दी से जल्दी पहुँचाते हैं। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ पास्चेल इस ओवर की अगली के, और यहाँ पर हमें खेल दिया है फाइन लेग के ऊपर और जी हाँ यहाँ पर पास्चेल को ये विकेट। गार्डनर बहुत दबाव महसूस कर रहे थे और यहाँ पर गार्डनर का विकेट चला गया है। पास्चेल की गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ डाली थी बॉल को और बॉल को पुल कर देने की कोशिश, फाइन लेग में फील्डर मौजूद थे और एक आसान सा कैच लेते हुए यहां पर 119 पे 2 हो चुके हैं भाई। गार्डनर जो कि 16 गेंदों पे 8 रन की स्कोर पे खेल रही थी वो आउट होते हुए पास्टेल की गेंद पे। पास्टेल का ये 2रा विकेट था और सिडनी सिक्सर का स्कोर जो है 119 पे 2 16 ओवर 3 गेंदों के बाद। तो भाई हमारे साथ है, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये 28वां मैच है जो कि पास सॉकर्स और सिडनी सिक्सर के बीच खेला जा रहा है। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिएगा। देखना होगा भाई यहां पर काफी बेहतरीन मैच होता हुआ। अगला गेम यहाँ पर बल्लेबाजी शेफाली वर्मा को आज निचले नीचे भेजा गया है
पास्टेल की इस ओवर की अगली गेंद और सामना करेंगे यहां पर मुझे लगता है यहां पर एलिसा हिली। जी हां, एलिसा हिली छोर चेंज कर लिया था, तो पास्टेल की अगली गेंद का सामना करेंगे एलिसा हिली। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। और आपको बता दें कि लॉन्ग ऑन का फील्डर को 30 गज के दायरे के अंदर रखा गया है, मिड ऑन पे लगाया गया है, लॉन्ग ऑन को ऊपर बुलाया गया है। अब देखना होगा कि यहाँ पर एलिसा हिली के लिए यहाँ पर अलग सी फील्डिंग सजाते हुए पास्टेल, अलग रणनीति अपनाते हुए पास्टेल की इस ओवर की अगली गेंद और सामना करेंगे एलिसा हिली। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप पे बॉल था लेग और बॉल को खेल दिया है मिड ऑफ के पास, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी और यहाँ पर सिंगल लेते हुए एलिसा हिली ने स्कोर को पहुँचा दिया है 120 तक। 50 रन बन जाएंगे या नहीं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर करिए, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें ज़रूर करते रहिए। इस ओवर की अगली गेंद और सामना करेंगे यहाँ पर सैफ अली वर्मा। लगातार मैचेस में इनका परफॉर्मेंस वो अच्छा, एकमात्र भारतीय जो यहाँ पर खिलाड़ी है सैफ अली वर्मा की बल्ले से वो स्कोर हमें देखने के लिए नहीं मिला है जिसके लिए वो जानी जाती है। और इस बीच आपको बता दें कि सैफ अली वर्मा से आज उम्मीद होगी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए और उसी के लिए ये जाने भी जाते हैं सैफ अली वर्मा। तो भाई आसूराम बाहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई आसूराम बाहू जी जुड़ने के लिए। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलेंगे, और 6 लाइक दूर है यहाँ पर 50 लाइक से, तो जल्दी से जल्दी भाई 50 लाइक पूरे कर दे। पास्टेल इस ओवर की पांचवी गेंद, सामना करेंगे सैफ अली वर्मा। राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल आता हुआ फुल टॉस पे बॉल दिया था, हार्ड हिट करने की कोशिश, बॉल बैट का निचला हिस्सा लिया, बॉल चला गया लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है, अच्छी थ्रो, सिंगल मिल जाएगा। इस बार भी सैफ अली वर्मा ने अपना खाता खोला है इसी सिंगल के साथ और स्कोर को पहुंचा दिया है सिडनी सिक्सर का 122 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। काफी बेहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है ये, तो चलिए देखते हैं, बने रहिए। पास्टेल इस ओवर की आखिरी गेंद और सामना करेंगे इस बार एलिसा हिली। इस बार थोड़ी सी फुल टॉस में लिया था, बॉल को खेलने की कोशिश किया था, बैट का एज लेके विकेट के सामने से बॉल निकल गया है यहाँ पर फाइन लेग की तरफ, शॉर्ट फाइन लेग में फील्डर मौजूद थे, एक रन मिल जाएगा, एक रन लेके स्ट्राइक अपने पास रखा है एलिसा हिली ने। और ओवर समाप्त हो चुका है 17 ओवर के बाद 123 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पिछले दो ओवर में उतने ज़्यादा रन नहीं आए जितनी रनों की ज़रूरत है यहाँ पर सिडनी सिक्सर को इस मैच में कन्फर्म, यहाँ पर थोड़ा सा जो है मजबूत स्थिति करने के लिए। शुरुआत तो अच्छा किया था एलिसा पैरी और एलिसा हिली ने, और एलिसा हिली अभी भी मौजूद है मैदान पे और उम्मीद है इनसे बड़ी शॉट का, तीन ओवर में कम से कम 4-5 बड़ी शॉट लगने चाहिए तब जाके स्कोर जो है कम से कम 150 तक पहुंच सकता है। लास्ट पार्ट माइटी, चलिए भाई बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि भाई यहां पर आप लोग लाइक जरूर करेंगे। इस बार ऑफ स्पिनर दिया था सैफ अली, यहां पर एलिसा हिली ने बॉल को खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, सिंगल मिल जाएगा इस बार एलिसा हिली को। और भाई 70 होने के बाद एलिसा की हिली की बल्ले से वो ताबड़तोड़ शॉट हमें देखने के लिए नहीं मिला है। ग्रेहम की गेंद और सामना करेंगे इस बार सैफ अली वर्मा से हमें उम्मीद है कि यहाँ पर बड़ा शॉट देखने के लिए मिल जाएगा। गार्डनर अच्छा खेलती रही तो आउट क्यों क्या भाई, यहाँ पर फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल करता हुआ इस बार फ्लिक कर दिया है सैफ अली वर्मा ने, बॉल चला गया डीप स्क्वायर लेग की तरफ बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पर सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट किया है और इसी सिंगल के साथ स्कोर भी पहुंच चुका है 125 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पे। और एक भाई ने हमें लाइक करके सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। फिर से एक बार यहाँ पर बॉलिंग करता हुआ ग्रेहम, सामना करेंगे एलिसा हिली। हिली विकेट छोड़ के खेलने की कोशिश और बॉडी से दूर जाके खेल दिया है बॉल को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, 1 बाउंस 4 रनों के लिए, सीमा रेखा के बाहर चला गया है डीप बैकवर्ड पॉइंट में, कोई फील्डर मौजूद नहीं था, उसी का फायदा उठाया एलिसा हिली ने।
और बहुत देर बाद एलिसा हीली के बल्ले से यह चौका आया है और इसी चौके के साथ स्कोर जो है 129 रन बन चुका है भाई, 129 रन बन चुके हैं। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, 17 ओवर 3 गेंदों के बाद स्कोर जो है 129 रन बन चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। लाइक जरूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे बढ़िया बैटिंग गार्डनर ने की है, जी हाँ 16 गेंदों पे 8 रन बनाए और इस बार पैडल शॉट खेलने का कोशिश किया था, थोड़ी सी इंजर्ड हुए हैं एलिसा हीली, बॉल को खेलने के लिए गया था पैडल शॉट और बॉल बैट में लग के जो है मुझे लगता है कि थोड़ी सी इंजर्ड है, पैड पे लगी, अब देखना होगा कि कहां पर लगी है। जी हाँ थोड़ा सा जो है हाथ पे लगी है और यहाँ पर थोड़ी सी इंजर्ड है यहाँ पर एलिसा हीली। तो भाई सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जितने भाई यहाँ पर देख रही हैं। और फिर से एक बार बॉलिंग बहुत ही बढ़िया, बॉलर के बगल से खेल दिया है बॉल को एलिसा हीली ने लॉन्ग ऑन की दिशा में और यहाँ पर एक रन लेके स्ट्राइक को रोटेट किया है, 130 रन बन चुका है भाई 17 ओवर 5 गेंदों के बाद। तो भाई हमारे साथ 82 लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर लाइक सिर्फ 6 लाइक का जरूरत है 50 लाइक तक पहुँचने के लिए, तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर 6 लाइक जरूर मिल जाएगा और यहाँ पर 50 लाइक तक पहुँचने के लिए। और यहाँ पर 18 ओवर के बाद 131 रन 2 विकेट के नुकसान पे ग्रेहम ने यहाँ पर ओवर समाप्त कर लिया है, तीन ओवर में 28 रन दिए, इस ओवर में 8 रन आए, डेथ ओवर की दृष्टि से अगर इस ओवर को देखा जाए तो अच्छा ओवर रहा है हैदर ग्रेहम का। और देखना होगा कि अगले गेंदबाज कौन आते हैं क्योंकि मार्जिनी कैप ने 4 ओवर डाल दिए हैं, लिली मिल्स पास्टेल आ सकते हैं बॉलिंग डालने के लिए, मुझे लगता है कि पास्टेल को आना चाहिए बॉलिंग डालने के लिए क्योंकि पास्टेल का एक ओवर और बाकी है। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले 2 ओवर में यहाँ पर कितने रन बनेंगे भाई कमेंट करके जरूर बताइए। 500 का स्विंग, जी हाँ यहाँ पर शमसुल हक जी कह रहे हैं, मोहम्मद शमसुल हक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो कहना चाहते हैं कि यहाँ पर 500 का स्विंग होगा। पास्टेल की गेंद, अच्छी गेंद, स्वर डाला था, बॉल को खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से और यहाँ पर 4 रन मिल जाएंगे सैफ अली वर्मा की बल्ले से, ये पहला चौका आता हुआ 19वें ओवर की पहली गेंद पे सैफ अली वर्मा ने चौका लगा के बता दिया कि स्कोर को इनका टारगेट जो है 150 तक ले जाना है। फिर से एक बार सैफ अली वर्मा सामना करेंगी यहाँ पर पास्टेल की गेंदबाजी का, पास्टेल बॉलिंग करने के लिए तैयार, इस ओवर की दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, हार्ड हिट करने की कोशिश, बॉल बैट का एज लेकर चला गया है कवर की दिशा में और यहाँ पर सिंगल में कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई हमारे साथ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेहतरीन मैच होता हुआ लगातार, अच्छी यहाँ पर मैच चलता हुआ। भाई बात करें यहाँ पर पास्टेल की तो ये 2 जो विकेट गए हैं ये पास्टेल ही नहीं लिया है और पास्टेल अच्छी गेंदबाज है और लगातार अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करते हुए अगली जो गेंदबाजी यहाँ पर दिखाई देगा, देखना होगा कि आखिरी ओवर कौन करेगा क्योंकि सोफिया डिवाइन ने एक ओवर भी नहीं डाले हैं और सोफिया डिवाइन अच्छी गेंदबाज है, आज एक ओवर भी नहीं डाले हैं तो ये होता है थोड़ा सा अलग रणनीति क्योंकि सोफिया डिवाइन जानते हैं कि यहाँ पर विकेट नहीं गिरे थे तभी यहाँ पर बॉलिंग नहीं किया था और अभी भी यहाँ पर बॉलिंग नहीं किया है। आखिरी ओवर मुझे लगता है लिली मिल्स कर सकती हैं और नो बॉल, जी हाँ नो बॉल तो फ्री हिट मिलेगा, एक रन जरूर मिला है, नो बॉल और 2 रन मिले हैं, टोटल 3 रन आए हैं इस गेंद से और यहाँ पर मुझे लगता है रनआउट होते हुए, जी हाँ काफ़ी यहाँ पर नाटक होता हुआ रनआउट होते हुए इस गेंद पे नो बॉल हुआ था, नो बॉल में फ्री हिट मिलने वाला था मगर 2 रन की कोशिश में यहाँ पर सैफ अली वर्मा रन आउट होती हुई, जी हाँ सैफ अली वर्मा यहाँ पर रन आउट होती हुई, नो बॉल और डबल मिलेगा, उससे पहले आपको बता दें कि सैफ अली वर्मा रन आउट हो चुकी है, 3रा विकेट गिर चुका है, पास्टेल ने यहाँ पर रन आउट किया है और ये है पास्टेल ने यहाँ पर रन आउट किया है भाई। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सैफ अली वर्मा की जगह पे नए गए बल्लेबाज यहां पर मैदान पे आ चुकी है और देखना होगा कि यहां पर
पांच छल की अभी भी तीन गेंदे बाकी है इस ओवर के। बॉलिंग करता हुआ राइट आप ओवर द विकेट और यहाँ पर हार्ड हिट किया है, हाव में है बॉल, बॉल हाव में है मगर फ्री हिट है भाई, कोई फायदा नहीं होगा कैच लेने से भी, फ्री हिट है और कोई फायदा नहीं होगा कैच लेने से भी। एक रन मिला है और इसी एक रनों के साथ स्कोर जो है 140 तक पहुंच चुका है 18 ओवर 4 गेंदों के बाद स्कोर जो है 140 रन तक पहुंच चुका है तीन विकेट के नुकसान पे। अब मिथिलेन ब्राउन है स्ट्राइक पे, जी हाँ मिथिलेन ब्राउन है स्ट्राइक पे, दाहिने हाथ के खिलाड़ी है मिथिलेन ब्राउन, सामना करेंगे इस ओवर की पांचवी गेंद का। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलेंगे भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और 3 लाइक दूर है यहाँ पर 50 लाइक से। मिथिलेन ब्राउन की बात करें तो अच्छी गेंदबाज है और अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, आप इसको ऑलराउंडर ऑलराउंड परफॉर्मेंस कह सकते हैं मिथिलेन ब्राउन का। तो देखते हैं कि कौन सा भाई है जो यहाँ पर हमें 50 लाइक तक जल्द से जल्द पहुँचाते हैं। मिथिलेन ब्राउन है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का, पास चल इस ओवर की आखिरी गेंद राइट आप ओवर द विकेट बॉल करता हुआ मिथिलेन ब्राउन को, पटकी हुई गेंद थी मगर इस बार फुल टॉस में लिया था बॉल को, खेल दिया है सीधा बॉलर के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए। मिथिलेन ब्राउन ने चौके से अपना खाता खोला है और स्कोर यहां पर होता हुआ 144 रन, जी हाँ 144 रन बन चुका है भाई। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह भाई लाइक करो सपोर्ट करो भाई को। एक सौ चालीस रन बन चुका है भाई यहाँ पर तीन विकेट के नुकसान पे। तो हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब किसका है भाई, मैं यहाँ पर बहुत सारे का ओवर बाकी है मगर मुझे लगता है कि आखिरी ओवर जो है वो शायद लीली मिल डाल सकती है। थैंक यू 18 ओवर 5 गेंदों के बाद 144 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास चल फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ सामना करेंगे मिथिलेन ब्राउन, काफी कमाल की गेंद यहाँ पर खिलाड़ी है मिथिलेन ब्राउन, बॉलिंग काफी अच्छी करती है। इस बार पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच बॉल था, बॉल को खेल दिया है फाइन लेग की तरफ, एक रन मिल जाएगा और नो बॉल भी होता हुआ, जी हाँ फ्री हिट मिलेगा फिर से एक बार, फ्री हिट मिलेगा फिर से एक बार, नो बॉल का इशारा अंपायर का और फ्री हिट का भी इशारा आपका, जी हाँ भाई यहाँ पर फ्री हिट मिलेगा, बने रहिए भाई। नो बॉल प्लस सिंगल मिला है, 146 रन बन चुके हैं और फ्री हिट भी मिलेगा भाई यहाँ पर। पास चेल और सामना करेंगे इस बार हिली, हिली क्या कमाल की यहाँ पर बैटिंग करते हुए, थोड़ा सा थक गए हैं यहाँ पर, बड़ा शॉट लेने की कोशिश लगातार कर रहे और बैट का इजी लेके बॉल चला गया थर्ड मैन की तरफ मगर फील्डर मौजूद है और यहाँ पर एक ही रन मिल जाएगा और एक रन के साथ स्कोर जो है 147 तक पहुंच चुका है तीन विकेट के नुकसान पे। तो भाई यहाँ पर सिर्फ और एक लाइक की जरूरत है, यहाँ पर एक लाइक नहीं भाई, यहाँ पर भाई ने लाइक, चलिए एक लाइक यहाँ पर, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, देखिए एक भाई ने तो लाइक किया है, थैंक यू सो मच, और एक लाइक की जरूरत है 50 लाइक तक पहुंचने के लिए। तो देखते हैं पहली हाफ में का और यहाँ पर 50 लाइक तक पहुंचा दिया है भाई ने, थैंक यू सो मच भाई, आप सभी का सपोर्ट से हमें 50 लाइक तक पहुंचने के लिए मदद किया है, थैंक यू सो मच भाई। हाँ यहाँ पर 19 ओवर के बाद 147 रन बने चुके हैं, आखिर के 6 ओवर में कितने रन बनेंगे भाई, आपको क्या लगता है कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और यहाँ पर फिर से एक भाई ने लाइक किया है, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। हमारे साथ मदन कुमार जी जुड़े हुए हैं और मैंने कहा था कि यहाँ पर लिली मिल्स आ सकती हैं बॉलिंग डालने के लिए, अब देखना होगा कि किसको बॉलिंग दिया गया है, लिली मिल्स नहीं यहाँ पर, ओ यहाँ पर अच्छी गेंद पैडल शॉट खेलने के लिए गया था, यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा, हैदर ग्रहम आई है बॉलिंग डालने के लिए, हैदर ग्रहम की पहली गेंद डॉट खेला है तो जितना डॉट खेलेंगे उतना असर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि कितने रन आएंगे बाकी के 5 गेंदों पे। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया शॉट ऑफ स्टैम्प पे रूम बना के बॉल को खेल दिया है मिड ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए, सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, स्कोर हो चुका है 151 रन में, 151 रन 3 विकेट के नुकसान में। एलिसा हिली यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं 89
रनों की स्कोर पे। तो भाई यहाँ पर बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए भाई, बहुत ही बेहतरीन मैच होता हुआ। वैभव पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई वैभव जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा वैभव पाल जी। अजीज मोहम्मद जी बोल रहे हैं कि 156 टारगेट होगा, 156 से तो ज़्यादा होगा। और इस बार बॉल को खेल दिया है भी यहाँ पर मिड ऑफ के बगल से, एक रन मिल जाएगा यहाँ पर एलिसा हिली को। और इसी के साथ एलिसा हिली पहुँच चुका है 90 रनों के स्कोर पे, और सिडनी सिक्सर का स्कोर हो चुका है 152 रन 3 विकेट के नुकसान पे। हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं और यहाँ पर थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह भाई लाइक करो, सपोर्ट करो भाई को। यहाँ पर अजीज मोहम्मद जी कह रहे हैं कि 156 बनेगा टारगेट, देखते हैं भाई टारगेट 156 बन सकता है। और यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है विकेट कीपर से, अच्छी गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, बड़ा शॉट खेलने के लिए गया था, पूरी तरीके से मिस हुई। 24 रन मिल गए, 24 रन मिल गए भाई, किसी भी तरीके से यहाँ पर रन आने चाहिए। और आखिर के जो रन आते हैं वो काफ़ी कमाल के होते हैं, वही आपको यहाँ पर जीत दिला सकती है। सिडनी सिक्सर का स्कोर हो चुका है इस 24 रनों के साथ 156 रन 3 विकेट के नुकसान पे। वैभव पॉल जी कह रहे हैं 162 टारगेट होगा भाई, यहाँ पर और देव गेंदे बाकी हैं तो मुझे लगता है कि 160 रन बन जाएंगे। हार्ड हिट करने की कोशिश, बगल बॉलर के बगल से बॉल निकल गया है, 2 रन जी नहीं, यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा। और इसी सिंगल के साथ 19 ओवर 5 गेंदों के बाद स्कोर जो है 158 रन बन चुका है भाई, 157 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ जितने भी बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए। पहला इस गेंद पे क्या बड़ा शॉट आ सकेगा, अगर एक चौका लग जाएगा तो वैभव जी सही हो जाएंगे, वैभव जी सही हो जाएंगे अगर एक चौका लगेगा तो। टारगेट 162 का हो जाए, और यहाँ पर फ्लिक कर दिया है, चौका लग चुका है मुझे लगता है। और इसी चौके के साथ 161 वैभव जी, यहाँ पर टारगेट जो है 162 का बन चुका है। और वैभव पाल जी ने एकदम सही कहा था कि 162 जो है वो टारगेट होगा, और 162 रन ही टारगेट बना है यहाँ पर 5 सॉकर्स के लिए। पिछला मैच में भी दिखा था कि 160 रन बने थे, उसको चेज हो गया था। और यहाँ पर सिडनी सिक्सर ने 161 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में, तो मुझे लगता है 5 सॉकर्स के पास वो बल्लेबाजी मौजूद है जो इस रन को चेज कर सकते हैं। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है और मैच की दूसरी इनिंग्स बहुत ही जोरदार होगा। और उस मैच में हम आपके साथ बात करेंगे, देखेंगे किस तरीके से 5 सॉकर से इस मैच को जीतता है वाह इस रन को चेज करता है। तो भाई जब जाते जाते यहाँ पर लाइक ज़रूर करते जाइएगा, लाइक ज़रूर करें और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखते हैं भाई कौन भाई है जो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर 60 लाइक तक पहुँचाता है। सेकेंड इनिंग्स अभी भी बाकी है भाई, सेकेंड इनिंग्स अभी भी बाकी है और सेकेंड इनिंग्स का मैच भी यहाँ पर मज़ेदार होने वाला है। जी हाँ, सेकेंड इनिंग्स का मैच भी यहाँ पर मज़ेदार होने वाला है भाई। तो हम यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा खासा मैच हमें देखने के लिए मिल जाएगा। आपको क्या लगता है भाई कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हमारे साथ थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। आज यहाँ पर सिडनी सिक्सर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, और पहले बैटिंग करते हुए स्कोर बोर्ड में 161 रन चिपका दिया है 5 सॉकर्स के लिए। क्या आप भी इस मैच पे जीत सकता है, 50% लोगों का कहना है, और सिडनी सिक्सर के साथ भी 50% लोग बने हुए हैं। तो भाई कुछ भी हो सकता है। अजीज मोहम्मद जी भाई लोग मैच विनर SDS है, जैकपॉट मैच है। जी हाँ, चलिए देखते हैं भाई, इनका कहना है कि जैकपॉट मैच है तो देखना पड़ेगा भाई। जैकपॉट मैच देखने के लिए इजाज मोहम्मद जी हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सिर्फ देखते हैं भाई यहाँ पर 6 लाइक की ज़रूरत है यहाँ पर 60 लाइक तक पहुँचने के लिए। एक बार थोड़ा सा हम स्कोर कार्ड की तरफ नज़र डाल लेते हैं। जी हाँ, एक बार हम स्कोर कार्ड की तरफ भी नज़र दौड़ा लेते हैं भाई।
एक बार हम नज़र डाल लेते हैं स्कोर कार्ड की तरफ। एलिसा हिली जो कि आखिर तक रहे और 94 रनों की स्कोर बनाए 57 गेंदों पे 12 चौके और 2 छक्के की मदद से। दूसरी तरफ हम बात करेंगे यहाँ पर, जी हाँ यहाँ पर हम बात करेंगे कि एलिसा पैरी जो कि यहाँ पर पास्चेल ने इनको आउट किया था 31 रनों के बीच, 31 रन बना के आउट हुए थे और इन्होंने एक शानदार शुरुआत दिया था दोनों ने मिलकर, एलिसा हिली और एलिसा पैरी ने। एक टाइम सो लग रहा था कि यह विकेट नहीं जाने वाले हैं, जी हाँ ये विकेट जो है ये नहीं जाने वाला है ऐसा लग रहा था। उसके बाद जो है गार्डनर आई, गार्डनर बहुत ही ख़राब खेल रही थी, 16 गेंदों पे 8 रन बना के और वो भी आउट हो गए पास्चेल की गेंद पे। लगातार जो है पास्चेल की आज गेंदबाजी काफ़ी अच्छा रहा है, बाकी और किसी का गेंदबाजी में वो पहना पर नहीं देखने के लिए मिला। मगर बात करना पड़ेगा एलिना किंग ने जिस तरीके से दबाव बनाया था उसका फ़ायदा जो है पास्चेल को मिला था विकेट निकालने में, और उस यहाँ पर एलिना किंग की गेंदबाजी में उतने ज़्यादा रन नहीं आए थे तो उसका दबाव जो था उसके बदौलत यहाँ पर पास्चेल ने 2-2 विकेट लिए। और यहाँ पर मिथलेन ब्राउन ने आखिरी बॉल पे चौका लगा के जाहिर कर दिया, यहाँ पर आखिरी बॉल पे एलिसा हिली ने चौका लगाया और स्कोर को 161 तक पहुँचा दिया है। और बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉलिंग में मार्जिनी कैफ ने 4 ओवर डाले हैं, 18 रन दिए हैं, कोई सफलता इनको नहीं मिला है। लिली मिल्स ने 2 ओवर डाले हैं, 12 रन दिए हैं, इनको भी कोई सफलता नहीं मिला है। पास्चेल ने 4 ओवर में 34 रन दिए, महंगे साबित जरूर हुए हैं मगर इनको 2 सफलता ज़रूर मिला है, वो भी बहुत ही बड़ा सफलता मिला था एलिसा हिली का। और यहाँ पर लीजा ग्रिथ जो कि 2 ओवर डाले हैं 28 रन दिए, कोई सफलता नहीं मिला। हैदर ग्राहम 4 ओवर में 42 रन दिए हैं, कोई सफलता नहीं मिला। एलिसा किंग ने भी अच्छा गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 27 रन दिए हैं, तो अच्छी गेंदबाजी हुआ है। और जो सेकंड इनिंग्स है वो भी काफ़ी रोचक हो जाएगा और मुझे लगता है कि 5 मिनट पे सेकंड इनिंग्स भी स्टार्ट होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सिडनी सिक्सर ने आखिरकार 20 ओवर में 161 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई कौन है जो यहाँ पर लाइक नहीं किया भाई, लाइक ज़रूर कर दे भाई, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट ज़रूर करिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर एक बेहतरीन मैच देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए भाई लोगों ने, दो भाइयों ने साहब लाइक करके सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह भाई सपोर्ट करके हमारे मोटिवेशन को मोटिवेट करते रहिएगा। थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट होगा, थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा भाई। अगर मैच स्टार्ट हो जाएगा तो मज़ा भी आ जाएगा, अगर देखना होगा कि 5 सॉकर्स आज इस मैच में मैच को जीत सकता है कि नहीं, इस मैच को, इस टारगेट को फिल पूरा कर पाते हैं कि नहीं। आखिर के जो मैचेस है, आखिर के जो यहाँ पर ओवर है वो काफ़ी रहने वाला, अच्छा रहने वाला है। आज 5 सॉकर्स की वो गेंदबाजी में वो अच्छी गेंदबाजी नहीं देखने के लिए मिला, ना ग्रेहम को विकेट मिला, ना लीजा ग्रिप को विकेट मिला। एकमात्र विकेट टेकिंग गेंदबाजी किया है पास्चेल ने जिनको 2 विकेट मिला था। आज हैरान करने वाला था कि सोफिया डिवाइन को कोई विकेट नहीं मिला था, जी हाँ सोफिया डिवाइन को कोई विकेट नहीं मिला था, जी हाँ सोफिया डिवाइन को कोई विकेट नहीं मिला था। और सोफिया डिवाइन ने गेंदबाजी भी नहीं की, वो काफ़ी हैरान करने वाला था। खास करके सोफिया डिवाइन जो है ये 2 ओवर डालती है मगर आज एक भी ओवर नहीं डाला था इस मैच पे, तो वो थोड़ा सा हैरान करने वाला था। थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा, 5 सॉकर्स की बल्लेबाजी हमें देखने के लिए मिलेगा क्योंकि 5 सॉकर्स के पास टारगेट बहुत बड़ा है 161 रनों का। क्या 5 सॉकर्स जो है इस मैच में ये टारगेट चेस कर पाएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए भाई और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
और यहाँ पर सिर्फ 3 लाइक दूर है 60 लाइक से, तो 60 लाइक पूरे कर दे भाई। अभी भी 52% लोगों को उम्मीद है कि 5 सॉकर से स्पेन जीत सकता है। तो आपको क्या लगता है भाई, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जिस अंदाज से आज एलिसा हीली ने बैटिंग किया है, उन इनिंग्स के अगर एनालाइज किया जाए तो उस इनिंग्स की अगर बात किया जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं एलिसा हीली ने किस तरीके से किस अंदाज से बैटिंग किया है। 94 रन बनाए हैं 57 गेंद पे, 12 चौके और 2 छक्के की मदद से, और हमेशा वो 164 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करती रही है। तो ये एक कमाल की बल्लेबाजी देखने के लिए मिला है एलिसा हीली की बल्लेबाजी से, जिन्होंने 6 रनों शॉर्ट है 100 रनों से। अगर और जो 70 रनों के बाद बहुत धीमी हो गई थी, और 70 रनों के बाद अगर थोड़ा सा अगर फास्ट बैटिंग करती तो शायद अपना 100 रन भी पूरा कर लेती। तो भाई चलिए बने रहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैच स्टार्ट होने जा रहा है और यहाँ पर एलिसा हीली ने एक शानदार परफॉर्म करते हुए स्कोर को 161 रनों तक पहुँचा दिया है सिडनी सिक्सर का। अगर यहाँ पर से सिडनी सिक्सर जीत नहीं पाएगा तो इनकी गेंदबाजी में वो धार देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सिडनी सिक्सर की अगर गेंदबाजी की बात करें तो सिडनी सिक्सर के लिए काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर गेंदबाज मौजूद है, निकोला बोल्टन, जो कि एक अच्छी गेंदबाज है। और आज निकोला बोल्टन को शेफाली वर्मा की जगह पर उतारना चाहिए था। अगर यहाँ पर मुझे लगता है एलिसा गार्डनर जो कि रन नहीं बना पा रहे थे, उसकी जगह पर निकोला बोल्टन को अगर उतारते तो शायद अच्छा खासा और ज़्यादा रन हमें देखने के लिए मिलता। ऐसे भी रन बहुत है, रन कम नहीं है स्कोरबोर्ड पे, मगर फिर भी मुझे लगता है कि गार्डनर की जगह पर निकोला बोल्टन को अगर लगा यहाँ पर बैटिंग के लिए मौका मिलता तो शायद स्कोर पर और कुछ रन हमें देखने के लिए मिल सकता था। तो अच्छी गेंदबाजी मुझे निकोला बोल्टन की से उम्मीद है, मिथलिन ब्राउन से उम्मीद है, राधा जादव से उम्मीद है, स्टेला कैम्बेल और लूरेन चिटली से हमें बहुत सारी उम्मीदें बना हुआ है। अच्छी गेंदबाज मौजूद है यहाँ पर सिडनी सिक्सर के पास। अब देखना होगा कि यहाँ पर 5 सॉकर इस रन को कैसे चेस करती है भाई। तो भाई लाइक ज़रूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें ज़रूर करें, और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भाई यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, और यहाँ पर आपको बता दें थोड़ी सी मिस्टेक है और उस मिस्टेक को रिप्लेस करना पड़ेगा बहुत ही जल्द। और ये जो मिस्टेक है ये अनबिलीवेबल मिस्टेक है, तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। लाइक ज़रूर करें भाई, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें ज़रूर करें। देखते हैं भाई यहाँ पर और 3 लाइक दूर है 60 लाइक तक। तो मुझे याद है कि यहाँ पर आप लोगों के साथ बातचीत करते हुए मैंने कहा था कि मैच स्टार्ट होने से पहले कम से कम 60 लाइक आ जाना चाहिए, 60 लाइक आ जाना चाहिए। तो देखते हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह आपने लाइक किया है और लाइक करते जाइए, थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है। और आपका उम्मीद क्या है कि यहाँ पर कौन सी टीम विन होगा, हमारी पोल पे पार्टिसिपेट करके आप जाहिर कर सकते हैं हु विल विन द टुडेज मैच। मुझे लगता है यहाँ पर 52% लोगों ने कहा है कि 5 सॉकर्स ओमन जो है इस मैच को जीत सकता है, और सिडनी सिक्सर ओमन के साथ 48% भाई हमारे बने हुए हैं। तो भाई लाइक ज़रूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट ज़रूर करें, और मैच स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर 60-60 लाइक आ जाना चाहिए। रोजगार रिवोल्यूशन जी हमारे साथ जुड़ चुका है, थैंक यू सो मच भाई जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए। कमाल का यहाँ पर मैच होता हुआ, मैच स्टार्ट होने जा रहा है, प्लेयर्स मैदान पे आ रहे हैं भाई। उससे पहले और 2 लाइक की ज़रूरत है जो कि आपको करने हैं, और यहाँ पर एक भाई ने तो लाइक कर दिया है भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूँगा भाई लाइक ज़रूर कर देना। जी हाँ, यहाँ पर मैच स्टार्ट होने जा रहा है, 5 सॉकर्स के पास टारगेट है 162 रनों का, क्या इस 162 रन चेस कर पाएगा या नहीं देखना होगा भाई।
देखिए भाई ने मैच स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पर 60 लाइक तक पहुंचा दिया है, थैंक यू सो मच भाई। 5 सॉकर्स के दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पे आती हुई, जी हाँ 5 सॉकर्स की तरफ से दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पे आ चुकी हैं। सोफिया डिवाइन एंड बेत मुनी ये दोनों ही ओपन करती हैं। सोफिया डिवाइन के साथ बेत मुनी ये दोनों यहाँ पर सलामी बल्लेबाज है। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब। पावर प्ले में कितने रन जाना का उम्मीद है भाई? यहाँ पर खालिद रेजा जी बता दें कि पावर प्ले में अगर ये दोनों बल्लेबाज मौजूद है तो पिछली अगर मैच देखा जाए सोफिया डिवाइन की पावर पे यहाँ पर सुपर ओवर में जिस तरीके से बैटिंग किया था उसको उस अंदाज को देख के मुझे लगता है कि इस ओवर में कम से कम 40 से 45 रन आ जाना चाहिए 6 ओवर। अगर इस रन को चेस करना है तो कम से कम 40 रन तो बनाने ही हो गए 6 ओवर में दोनों बल्लेबाज को। तो भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहां पर कमल का मैच चलता हुआ, देखते हैं नए गेंदबाज कौन आए हैं। थैंक्स है खालिद रेजा जी हमारे साथ बने रहने के लिए। और यहाँ पर सोफिया डिवाइन एंड बेत मुनी ये दोनों आ चुके हैं ओपन करने के लिए और साथ में बॉलिंग। और पहली गेंद यहाँ पर लेफ्ट आर्म उस बार राउंड द विकेट बॉल किया था सोफिया डिवाइन को, सोफिया डिवाइन के पैड पे लगा लेग बाई का इशारा अंपायर का और एक रन लेते हुए पहली गेंद पे ही सिंगल लेके खाता खोल दिया है। 5 सॉकर्स का खाता खोल चुका है। लूरन चिटली बॉलिंग करते हुए लेफ्ट आर्म बॉलर है और यहाँ पर चुटली की बात करें तो लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलिंग डालते हैं। पिछली मैच में इनको मेलबॉर्न रेनेगेड्स के खिलाफ 1 विकेट मिला था। अब देखते हैं कि इस मैच में क्या यहाँ पर कैसी बॉलिंग करते हैं। बेत मुनी जो कि काफ़ी ट्रिमेंडस फॉर्म में है और पिछले कुछ मैचेस में लगातार परफॉर्म करते आई हुई है और यहाँ पर 5 सॉकर्स की जो कप्तान है सोफिया डिवाइन, बेत मुनी और सोफिया डिवाइन इन दोनों से एक अच्छी साझेदारी की उम्मीद होगी। बेत मुनी को बॉलिंग करता हुआ इस बार ओवर द विकेट मिडिल ऑफ द बैट खेला है, काफ़ी अच्छी शॉट। यहाँ पर बॉल को मिड ऑफ में रोका जरूर गया है मगर बॉल जो है बैट का मिडिल से खेलते हुए बेत मुनी कितनी अच्छी फॉर्म में है जब कोई बैट्समैन मिडिल बैट की मिडिल से बॉल को खेलता है। तो भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस बार बेत मुनी ने बॉल को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर भाग रहे हैं, 2 और 4 रन मिल जाएंगे। जी हाँ यहाँ पर देखना होगा आखिरकार बॉल को चौका लगा है कि नहीं, अंपायर का डिसीजन क्या आता है। अब देखना होगा बॉल बाउंड्री चेक किया जा रहा है चौका है कि नहीं। जी नहीं यहाँ पर मुझे तो लगा नहीं कि चौका है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बॉल को रखा गया है बाउंड्री लाइन पे। तो चलिए भाई बने रहिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही रन मिले हैं, 4 रन मिले हैं। तो भाई यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मैच चलता हुआ, 5 सॉकर्स को अगर इस मैच में जीत हासिल करनी है तो दोनों सलामी बल्लेबाज को कम से कम 10 ओवर तक तो रहना ही होगा और 10 ओवर में कम से कम भाई एक यहाँ पर रन को चेस करते हुए कम से कम 70-80 तो रन बनाने ही होंगे पहले 10 ओवर में। और बेहतरीन मिडिल ऑफ द बैट खेला है बॉल को, सीधे बल्ले से बॉल को मिड ऑफ की तरफ खेल दिया है, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। सोफिया डिवाइन काफी समझ बूझ के साथ खेलते हुए जानते हैं कि कितना बड़ा महत्व है उनका विकेट का, अगर वो मैदान पर रहती तो शायद यहाँ रहना चाहेगी कि आखिर तक अगर मैच को निकालना चाहेगी, क्योंकि 5 सॉकर्स के लिए इस मैच में 2 अंक बहुत ही ज़रूरी, अगर ये 2 अंक हासिल कर लेते हैं तो 9 अंक हो जाएंगे इसके पॉइंट टेबल में। और यहाँ पर फिर से एक बार मिड ऑफ की तरफ खेल दिया है बॉल को, लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी और बॉल को रूम बना के खेला था इस बार मिड ऑफ की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। और इसी के साथ स्कोर भी यहाँ पर पहली ओवर के बाद 5 सॉकर्स का 4 रन बने हैं।
तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सूरज जी हमारे साथ जुड़ चुका है, सूरज मीरी जी हमारे साथ जुड़ चुका है। कौन जीतेगा भाई? मुझे लगता है इस मैच में अभी भी यहाँ पर पल्ला जो है बराबरी पे बना हुआ है। सुमन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर, और एक वर्मा यहाँ पर शेफाली वर्मा जो कि यहाँ पर मैदान पे है, और सुमन वर्मा जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर बॉलिंग पे चेंज, यहाँ पर रिप्लेस करके देखना होगा कि अगले गेंदबाज कौन आते हैं दूसरा ओवर डालने के लिए। काफी कमाल की यहाँ पर बैटिंग करता हुआ बेत मुनि, बाएं हाथ के खिलाड़ी है बेत मुनि, और सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। आउट करो जल्दी, चलिए देखते हैं भाई यहाँ पर बॉलिंग करता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट, राउंड द विकेट बॉल करता हुआ बेत मुनि को पैर की तरफ बॉल किया था, यॉर्कर डालने की कोशिश है लेफ्ट आर्म बैट्समैन को, बाएं हाथ की और दाहिने हाथ की कॉम्बिनेशन उतारा है यहाँ पर, और यही दोनों सलामी बल्लेबाज ज़्यादातर क्या हमेशा ओपन करते हैं यहाँ पर पांच सॉकर्स के लिए। ले कर दिया हूँ, चलिए भाई सूरज मीरी जी थैंक यू सो मच। यहाँ पर बेकार लिमिटेड 2000 ब्रो कौन जीत जाएगा भाई? अभी भी मैच जो है पल्ला जो है यहाँ पर 50-50 का बना हुआ है, क्योंकि हमारी जो पोलिंग किया यहाँ पर फ्लिक कर दिया है बॉल को डीप स्क्वायर लेग की तरफ, मगर आउटफील्ड में बॉल बहुत ही स्लो हो चुका है और यहाँ पर 3 रन मिल जाएंगे, और इसी 3 रनों के साथ स्कोर 7 रनों तक पहुँचा है। आपको बता दें कि यहाँ पर बेकार लिमिटेड जी आपको बता दें कि यहाँ पर 163 भाइयों ने पोलिंग में हिस्सा लिया है, और 163 भाइयों की जो पोलिंग है उसमें 53% लोगों ने कहा है कि 5 सॉकर्स जो है यहाँ पर मैच को जीत सकता है, और सिडनी सिक्सर ने 47% लोगों ने कहा है कि सिडनी सिक्सर रोमन जीत सकता है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो मैच जो है मैच अभी भी यहाँ पर पल्ला जो है यहाँ पर बराबरी पे बना हुआ है। अब यहाँ पर जो अगर 10 ओवर में अगर एक भी विकेट नया गिरे और स्कोर जो है 70 से 80 के बीच बन जाएगा तो यहाँ पर मैच में कुछ हद तक आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिएगा। काफी उम्दा मैच होता हुआ, और यहाँ पर साइड स्क्रीन में जो प्रॉब्लम हुआ है सोफिया डिवाइन के लिए उसको रेक्टिफाई करते हुए मैच रोका हुआ है। चलिए देखते हैं भाई, भाई खालिद रेजा जी आप समझदार आदमी हैं, और समझदार आदमी के लिए इशारा बहुत काफ़ी होता है, और ये पूछ के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस पर पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डाला था, बॉल ऊपर सर के ऊपर से चला गया है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ, और अंपायर ने इसको वाइड बॉल दिया है। जी हाँ, बहुत लेट डिसीजन आया है अंपायर का, वाइड बॉल देता हुआ अंपायर ने वाइड बॉल दिया है, और इसी वाइड के चलते एक अतिरिक्त वाइड नहीं दिया है भाई। पार्थ की पार्टनरशिप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जी हाँ ये साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, ये साझेदारी सभी पार्टनरशिप नहीं है भैया। पहली जोड़ी सोफिया डिवाइन और बेत मुनि का, और ये पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्थ सॉकर्स के लिए। तो इसी उम्मीद से और एक वाइड आता हुआ अंडर 20 विकेट जाएगा। चलिए देखते हैं भाई यहाँ पर स्कोर जो है एक ओवर 3 गेंदों के बाद 8 रन बन चुका है। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ मिथलेन ब्राउन, और इस बार अच्छी गेंद स्लोअर बॉल था और इस बार मिसफील्ड हुई है भाई। शेफाली वर्मा का आज दिन भी नहीं है, शेफाली वर्मा ने यहाँ पर मिसफील्ड किया है, और 1 रन मिला है सोफिया डिवाइन को। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेत मुनि एंड सोफिया डिवाइन इन दोनों के बीच साझेदारी की बहुत ही जरूरत है। बेत मुनि है इस स्ट्राइक पे और सामना करेंगे इस बार मिथलेन ब्राउन की गेंद का, बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं यहाँ पर बेत मुनि, बाएं हाथ के खिलाड़ी को दाहिने हाथ से राउंड द विकेट बॉल करता हुआ मिथलेन ब्राउन। इस ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी और
थोड़ी सी बाहर बॉल गया है लेग स्टंप से, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और इसी वाइड के चलते एक अतिरिक्त रन स्कोरबोर्ड में फिर से जुड़ा है। 500 ओवर का स्कोर जो है 10 रनों तक पहुंच चुका है। आपकी प्रेडिक्शन क्या है ब्रो? भाई मेरा प्रेडिक्शन जो है यहाँ पर जो है क्या बोले, मन तो कह रहा है कि 500 ओवर जीतेगा, मगर दिमाग एनालिसिस कह रहा है कि सिडनी सिक्सर जीतेगा। संकेत यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और इसी तरह भाई जुड़े रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिथलेन ब्राउन फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की आखिरी गेंद, और सामना करेंगे बेथ मुनि जो कि 6 रनों की स्कोर पे खेल रही है। बेथ मुनि सामना करेंगे, इस बार राउंड और बॉल करता हुआ, पटकी हुई गेंद, इस बार बॉल बॉलर के यहाँ पर बैट्समैन के पैड और बैट के बीच में से निकल गया है सीधा विकेट कीपर के पास। जोरदार अपील किया था, मगर यहाँ पर अंपायर ने सबको शांत करते हुए कहा कि भाई ये अच्छी गेंद थी मगर आउट नहीं है भाई। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, दो ओवर के बाद बहुत लंबा ओवर रहा ये, और इसी के साथ स्कोर जो है 10 रनों तक बन चुका है 500 ओवर्स का। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टॉस कौन जीता भाई यहाँ पर? सूरज मीरी जी आपको बता दें, टॉस तो यहाँ पर सिडनी सिक्सर ने जीता था, सिडनी सिक्सर ने जीत के यहाँ पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया है कि मैंने यहाँ पर भाई 150 रन होवे भाई, यहाँ पर 161 रन बना है वो उसको चेस कर रहा है, कम से कम तो 150 रन तो बनना चाहिए भाई। अच्छी यहाँ पर पहला 6 ओवर में कितने रन आते हैं उसको देख के ही पता चलेगा कि यहाँ पर जब तक सोफिया डिवाइन है और 6 ओवर में अगर आउट नहीं होती है सोफिया डिवाइन जैसी बल्लेबाज, तो यहाँ पर 150 क्या 161 भी चेस हो सकता है। तो चलिए देखते हैं भाई, बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। इस बार बॉलिंग करते हुए लुडन चिटली, और सामना करेंगे यहां पर बेथ मुनि, बाएं हाथ के खिलाड़ी को बाएं हाथ से ओवर द विकेट बॉल करता हुआ चिटली। क्या लगता है भाई यहां पर क्या इस रन चेज हो जाएगा या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बेथ मुनि जो कि बाएं हाथ के खिलाड़ी है वो सामना करेंगी चिटली की गेंद का। पांच फील्डर जो है यहाँ पर ऑफ साइड में लगाया गया है, मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट की दिशा में बहुत ही बेहतरीन इस बार बॉल को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, बहुत ही उमदा फील्डिंग यहाँ पर सिंगल लेते हुए, और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है यहाँ पर 12 रनों तक पहुँच चुका है। ब्रो एवरेज कोतो भाई, एवरेज का तो मतलब समझ नहीं, यहाँ पर अगर 6 ओवर हमें देखना पड़ेगा भाई, 6 ओवर देख लो, 6 ओवर में अगर विकेट नहीं गिरते हैं तो स्कोर बहुत बड़ा हो सकता है, ये रन भी चेज हो सकते हैं। बॉलिंग टीम विन 45 रन से, चलिए देखते हैं सिडनी सिक्सर 45 रन से। यहाँ पर तो सुफन वर्मा जी कह रहे हैं कि 45 रनों से जीतेगा, और मुझे भी लगता है कि दिमाग तो कह रहा है कि यहाँ पर सिडनी सिक्सर जीतेगा मगर 45 रनों से नहीं जीतेगा भाई, और 500 ओवर्स जो है, और दिल कह रहा है कि 500 ओवर्स जीते। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, देखना पड़ेगा, और यहाँ पर सोफिया डिवाइन है स्ट्राइक पे, सामना करेंगी यहाँ पर चिटली की गेंद, इस बार स्लोअर बॉल डाला था, मिडिल स्टंप का बॉल थोड़ी सी नीचे रही, यॉर्कर डालने की कोशिश किया था मगर बॉल सही जगह पे पिच नहीं हुआ, बॉल को खेल दिया है मिड ऑफ की तरफ, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। भाई ये इस मार्ट में इस मैदान पे कि अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो 130/32 का एवरेज स्कोर है, सेकंड बैटिंग की अगर बात करें तो सेकंड बैटिंग में 126/27 का एवरेज है, मगर पिछली दो मैचेस में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी बड़ा स्कोर बनते हुए, और ये इस मैच में इस ग्राउंड पे ये चौथा ये पांचवा मैच है जो कि खेला जा रहा है, इससे पहले इस ग्राउंड पे कोई भी मैच नहीं खेला गया था। बिग बैश लीग में कल हम लोगों ने देखा था दो मैच खेले गए थे इस ग्राउंड पे, और इस समय भी आप बात कर सकते हैं कि ये चौथा मैच है जो कि इस ग्राउंड पे खेला जा रहा है, तो इस ग्राउंड के उतना एनालिसिस
अभी तक नहीं निकल के आए हैं। लेफ्ट आर्म बॉल इस बार थोड़ी सी आगे निकल के स्टेप आउट करके बॉल को गैप में खेलने की कोशिश, मगर पांच फील्डर यहां पर मौजूद है ऑफ साइड में बेथ मुनी के लिए, तो यहां पर डॉट बॉल होता हुआ। तीन ओवर के बाद 13 रन बने हैं, स्लो स्टार्ट है पांच सॉकर्स का, बहुत ही स्लो स्टार्ट यहां पर पांच सॉकर्स का। तो भाई यहां पर और एक लाइक दूर है 65 लाइक से, तो देखते हैं भाई कितनी जल्दी आप लोग 65 लाइक तक पहुंचाते हैं। कौन भाई है यहां पर जो पहला लाइक करते हैं यहां पर 65 लाइक तक पहुंचाने के लिए, और यहां पर लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। बेहतरीन मैच होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। कमाल का मैच यहां पर लास्ट तक करो, 45 से भी जाएगा रन से जब विन होगा। चलिए देखते हैं सुमन वर्मा जी, और हमारे साथ बने रहिएगा आप भी। जी हाँ, विकेट कम सुन, चलिए देखते हैं भाई। यहाँ पर बॉलिंग करने आई है नए गेंदबाज, जी हाँ नए गेंदबाज यहाँ पर बॉलिंग करने आई है, और इस ओवर की पहली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, यहाँ पर राउंड द विकेट बॉल करता हुआ बेथ मुनी को, ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, स्लोअर बॉल था, बॉल को खेल दिया है मिड ऑफ के पास है जहाँ पर शेफाली वर्मा ने बॉल को फील्ड किया है, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। गरीब मानुस तक भेजे लूंग यहाँ पर, चलिए तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बता दें कि यहाँ पर एलिसा पैरी आई है बॉलिंग डालने के लिए। इस ओवर की दूसरी गेंद पैरी बॉलिंग करता हुआ, क्या पैरी यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू दिला पाएगा, बेथ मुनी का विकेट बहुत ही अहम हो जाता है। राइट यहाँ पर राइट आर्म राउंड विकेट बॉल करता हुआ बेथ मुनी को, सीधे बल्ले से खेल दिया है गैप में खेलने की कोशिश, मगर अच्छी फील्डिंग वहाँ पर 30 गज के दायरे के अंदर एक रन चुराते हुए यहाँ पर बेथ मुनी, और इसी एक रनों के साथ स्कोर भी हो चुका है 15 रन बन चुका है तीन ओवर दो गेंदों के बाद। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। भाई कम से कम आप कहाँ से कौन सी जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पर अब मुश्किल चालू होगी पार्थ को, चलिए देखते हैं, मुश्किल चालू नहीं होगी बस मजबूरी नहीं। यहाँ पर बड़ा शॉट आता हुआ सोफिया डिवाइन की बल्ले से, और यह पहला चौका सोफिया डिवाइन की बल्ले से आती हुई, और इसी चौके के साथ स्कोर जो है पांच सॉकर्स का हो चुका है भाई 19 रन, तीन ओवर तीन गेंदों के बाद 19 रन बन चुके हैं। सोफिया डिवाइन हाथ खोलती हुई, बांग्लादेश सिलेट से जुड़े हुए हैं बेगम भाई, जहानारा बेगम जी हमारे साथ जुड़े हैं बांग्लादेश सिलेट से। तो भाई बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार, मैं भी बांग्लादेश से हूँ, और यहाँ पर बॉल को खेल दिया है सिंगल हैंडेड शॉट, यहाँ पर विकेट, जी हाँ बहुत बड़ा विकेट। शॉट मारने के बाद ही सोफिया डिवाइन समझ गई थी कि ये गलत शॉट खेल दिया है, और अपने आप से कैच नहीं लिया था तब भी अपने आप से अफसोस कर रही थी, और यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ सोफिया डिवाइन का, सिंगल हैंडेड शॉट था सोफिया डिवाइन का, और कैच आउट होती हुई एलिसा पैरी की गेंद पे बड़ा शॉट खेलने का कोशिश, और सिली मिडॉन पे फील्डर मौजूद था जिन्होंने कैच लिया है। जी हाँ भाई, इससे यहाँ पर सोफिया डिवाइन गई है, और ये जो टारगेट है अब थोड़ा सा मुश्किल लगता है पांच सॉकर्स के लिए। द बेकर लिमिटेड 420 जी कह रहा कि मैं भी बांग्लादेश से हूँ, भाई नाम अपना बताइए बेकार जी, और हमारे साथ ये भी बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। ताहिर बसा जी भाई हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, आपको बता दें आंध्र प्रदेश से, हैदराबाद से, और एडोनी शायद इनका जो टाउन है उनका नाम है, मुझे याद रहता है भाई यहाँ पर। तो भाई सभी को कहना है कि यहाँ पर कौन सी जगह से आप लोग जुड़े हुए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए भाई, और थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह भाई लाइक करो, सपोर्ट करो भाई को। एलिसा पैरी आते ही यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिला दिया है पार्थ यहाँ पर सिडनी सिक्सर को। पीपारियो को मौका मिला है आज ऊपर की क्रम में बैटिंग करने का, पीपारियो को मौका मिला है आज ऊपर की क्रम में बैटिंग करने का। तो भाई देखते हैं पीपारियो क्या आज यहाँ पर सिडनी पांच सॉकर्स को जीत दिला पाएगा। सुधीर फ्रॉम कर्नाटका, सुधीर जी हमारे साथ कर्नाटका से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच भाई। मैं यहाँ पर कलकत्ता से जुड़ा हुआ भाई, बिल्कुल करेक्ट सर, मैं अदानी
टाउन से आंध्र प्रदेश से हूँ। जी हाँ भाई, थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। इस ओवर की अगली आखिरी गेंद एलिसा पेरिका और पीपारियो ने बॉल को खेल दिया है सीधे बल्ले से, बॉल चला गया है मिड ऑन के पास, कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट बॉल होता हुआ दबाव महसूस करता हुआ पांच सॉकर शोमैन यहाँ पर दबाव महसूस करते हुए, मगर अभी तक यहाँ पर बेत मुनी है जो कि मैच बदल सकता है। तो जाइएगा कहीं बात, बने रहिएगा, बेत मुनी का बैटिंग देखना बाकी है अभी। और लाइक जरूर करें भाई, लाइक के साथ साथ चैनल पर दबाव, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी भी 55% भाइयों का कहना है कि 500 का सोमन जो है यहाँ से मैच को निकाल सकती है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर दबाव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेहतरीन मैच आज देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही बढ़िया मैच आज देखने के लिए मिलेगा भाई। शेफाली वर्मा को यहाँ पर लेग साइड में लगाया गया है, सिली मिड ऑन पे लगाया गया है शेफाली वर्मा को। करण सुदन जी का यहाँ पर कह रहे हैं आपका आवाज़ सुपर है पर पड़ी 3 विकेट। जी हाँ भाई, थैंक यू सो मच, आपका आवाज़ सुपर है पड़ी 3 विकेट। चलिए देखते हैं भाई, पड़ी 3 विकेट का मतलब मुझे समझ में नहीं आया है। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ बेत मुनी को सीधे बल्ले से फिर से एक बार बॉलर के हाथ में खेला है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। 500 नीचे चेहचिलाम मगर 500 एकोन बांस क्या खाने का चीज है भाई। बेत मुनी जब तक है तब तक बांस खाने का कोई जरूरत नहीं है, ये भाई पानी पी लेगा वही बहुत है। तो चलिए देखते हैं धीरे धीरे यहाँ पर स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 गेंदे हो चुके हैं, 2 गेंदों पे यहाँ पर 4 ओवर 2 गेंदों पे 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले में अच्छा खासा रन बनना चाहिए था जो कि यहाँ पर 500 के नहीं बन रहे, ये शायद बाद में दिक्कत हो सकता है। तो भाई आमी बंगाली भाई और एखने बोले दीची बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया था, मिड ऑन में फील्डर मौजूद था, कोई रन नहीं। पिपारियो अब देखना होगा कि पिपारियो जो है ये काफ़ी तेज बल्लेबाज है। पिपारियो की गेंद और यहाँ पर बॉल को खेला था मगर फिर से एक बार मिड ऑन पे बॉल को रोका गया है 30 गज के दायरे के अंदर, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूँगा भाई लाइक ज़रूर करें। सर आपका स्कोर ये अक्दर का अगर जी में बोलिए तो हमें समझ में आए, एक आधा अंग्रेज। ओ भाई जरूर बोलेंगे भाई, जरूर बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर 5 गेंद के बाद ये 5वां ओवर चल रहा है, 5th ओवर चल रहा है भाई, आखिरी गेंद। और इस बार थोड़ी सी आगे निकल के आए, बॉल को खेल दिया है मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद है, 2 रन की मांग है मगर यहाँ पर सिंगल ही मिलेगा। और इसी सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 21 रन 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे आफ्टर 5 ओवर। तो भाई बने रहिए, जिस रन रेट की गति से यहाँ पर रन बन रहे हैं 500 का वो काफ़ी खतरनाक बन रहा है, 4.20 की यहाँ पर कारण रन रेट चल रहा है, जहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट की ज़रूरत है 9.40 का, तो रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 90 गेंदों पे अभी भी 141 रनों की ज़रूरत है 500 को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, मैच गया पार्थ लॉसन 950 का रन रेट रहते हुए होगा नहीं होगा? जी हाँ भाई, यहाँ पर रन रेट बढ़ता जाएगा क्योंकि जब तक पावर प्ले में आप अच्छी रन नहीं बना लेते हैं। और इस बार अगली गेंद बॉल को पिपारियों ने हल्के बैटों से खेला था, शॉट लगाया था जोरदार मगर बल्ला जो है बहुत पहले चला दिया था और बॉल चला गया है इस बार मिड ऑन की तरफ, कोई रन नहीं मिलेगा। तो भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है भाई।
मिथिलिन ब्राउन की गेंद और इस बार थोड़ा सा बॉल को फ्लाइटेड बॉल था, बॉल को खेल दिया है मिड ऑफ के ऊपर से, फील्डर भाग रहे हैं, दो रन तो आसानी से ले लेंगे पिपारियो। जी हाँ, यहाँ पर दो रन मिलते हुए और इसी दो रनों के साथ स्कोर जो है यहाँ पर 25 रनों तक पहुँच चुका है। जी हाँ 25 जी हाँ 25 रनों 23 रनों तक पहुँचा है। जी हाँ 23 रनों तक पहुँचा है भाई यहाँ पर, और दो चार लाइक की ज़रूरत है 70 लाइक तक पहुँचने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर सुमन जी कह रहा है कि विकेट कमिंग सुन, भाई देखना पड़ेगा कि विकेट आते हैं कि नहीं आते हैं। मिथिलिन ब्राउन की गेंद और पिपारियो सामना करेंगे, इस बार बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया है, ये तो चौका होने वाला है। मिथिलिन ग्राउंड ब्राउन की गेंद पे यहाँ पर चौका लगाया है, तो भाई यहाँ पर लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पिपारियो फिर से एक बार सामना करेंगे मिथिलिन ब्राउन की गेंद, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर मिथिलिन ब्राउन का, और क्यों ना हो क्योंकि मिथिलिन ब्राउन एक अच्छी ऑलराउंडर है, बैटिंग में भी काफ़ी कमाल की बैटिंग करती है, ऐसी है कि टीम के लिए ये एक अच्छी ऑलराउंड की भूमिका निभा सकती है। अभी भी इस ओवर में दो गेंदें बाकी है, देखना होगा कि बाकी के दो गेंदों पे एक बड़ा शॉट चाहिए होगा पांच सॉकर्स को। क्या लगता है भाई कौन सी टीम आज यहाँ पर विन होगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी को बोलूँगा भाई लाइक ज़रूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट जरूर करें। मिथिलिन ब्राउन इस ओवर की पांचवी गेंद हल्के बैटों से खेला था, बॉल को पॉइंट की तरफ गया है, सिंगल लेती हुई यहां पर बेदमुनि स्ट्राइक को रोटेट किया है। तो चलिए भाई बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिथिलिन ब्राउन फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की आखिरी गेंद और सामना करेंगे पिपारियो, दाहिने हाथ के खिलाड़ी है पिपारियो, और दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बॉल करता हुआ पिपारियो को मिथिलिन ब्राउन, पटकी हुई गेंद अच्छी लेंथ पे बॉल डाला था, बॉल को खेल दिया बैट का एज लेके कवर के ऊपर से चला गया है, दो रन तो आराम से मिल जाएंगे और इस बार भी दो रन लेती हुई और इसी दो रनों के साथ स्कोर जो है 31 रनों तक पहुंचा है 6 ओवर के बाद, 6 ओवर के बाद यहां पर 31 रन बने हैं। भाई कनेक्शन छूट हो रहा है इस कारण से क्योंकि यहाँ पर जो है नेट जो है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, भाई नेट की कनेक्शन जो है थोड़ा सा वाफरिंग हो रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा जो है कनेक्शन छूट छूट जा रहा है, मगर बेहतरीन यहाँ पर मैच होता हुआ जब तक यहाँ पर मुझे बेदमुनि मौजूद है और यहाँ पर एक अच्छा खासा स्कोर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। 5 सॉकर्स की उम्मीद अभी तक बना हुआ है, बेदमुनि यहाँ पर 11 रनों की स्कोर पे खेल रही है और जहाँ पर पिपारियो 10 रनों की स्कोर पे है, तो आज देखना होगा कि भाई यहाँ पर कौन सी टीम मैच जीतेगा। आखिर के 10 ओवर में मैच बदल जाता जाया करता है, हम लोगों ने देखा कि पिछला मैच मेलबोर्न रेनेगेड्स ने 10 ओवर तक कैसे बैटिंग किया था और ड्रिंक्स के बाद कैसे बल्लेबाजी किया। बेदमुनि है स्ट्राइक पे और सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का और यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डाली थी, बॉल बैट का एज लेके चला गया है थर्ड मैन की तरफ, यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा। 6 ओवर 1 गेंद हो चुका है, 6 ओवर 1 गेंदों के बाद काफी अच्छा मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। भाई 6 ओवर 2 गेंद हो चुके हैं, 6 ओवर 2 गेंदों पे 33 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। बैटिंग करता हुआ यहाँ पर बेदमुनि है स्ट्राइक पे और सामना करेंगी यहाँ पर स्टेला कैम्बेल की गेंदबाजी का, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट बॉल करता हुआ कैम्बेल, इस बार पटकी हुई गेंद थी, स्लोअर बॉल डाला था, शॉर्ट ऑफ लेंथ डाली थी, बॉल थोड़ा सा उछला नहीं नीची रही और सीधा चला गया विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं मिलेगा डॉट बॉल होता हुआ। तो लगातार अच्छी गेंदबाजी यहां पर चलता हुआ स्टेला कैम्बेल की और इस ओवर में अब तक भाई 3 गेंदों पे 2 रन आ चुके हैं, तो उम्मीद है यहां पर बड़ा शॉट की जरूरत है बेदमुनि की बल्ले से क्योंकि अगर स्कोर को आगे बढ़ाना होगा कम से कम रिक्वायर्ड रन रेट जो है उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। इस बार फुल लेंथ की बॉल, अच्छी लेंथ पे डाला हुआ बॉल था, बॉल को खेल दिया है मिड ऑफ की तरफ, 30 गज के दायरे के अंदर रोका जाएगा, सिंगल लेती हुई बेदमुनि ने स्ट्राइक को रोटेट किया है, स्कोर हो चुका है 6 ओवर 4 गेंदों के बाद 34 रन 1 विकेट के नुकसान पे। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो 9.60 का है जो कि बहुत ही बढ़ चुका है और यहाँ पर
थोड़ा सा कम करना होगा। अगर रिक्वायर्ड रन रेट 8 के करीब रहता है तब भी यहां पर ठीक रहेगा पांच सॉकर्स के लिए। पीपा डियो ने भी अच्छी यहां पर साझेदारी करते हुए नजर आ रही है और अब देखना होगा कि अगली गेंदबाज यहां पर बल्लेबाजी जो करेंगे वो बेथ मुनी है। स्ट्राइक पे सामना करेंगे स्टेला कैम्बेल की गेंदबाजी का। ये इस ओवर की आखिरी गेंद है और अब तक इस ओवर में 4 रन आ चुके हैं। तो भाई हमारे साथ अच्छे ये 77 भाई जुड़ चुके हैं, सभी को बोलूंगे भाई लाइक जरूर करें अगर लाइक नहीं किया तो, और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टेला कैम्बेल बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, राइट आर्म ओवर राउंड द विकेट बॉल करता हुआ बेथ मुनी को। इस बार थोड़ा सा बॉल आगे स्टेप आउट करके बॉल को खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की रीजन में और यहाँ पर 2 रन लेती हुई ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर के बाद 37 रन बना है एक विकेट के नुकसान पे। आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है कमेंट करके हमें जरूर बताइए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं और 3 लाइक जरूरत है यहां पर 70 लाइक तक पहुंचने के लिए। मनोज रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो विल विन द मैच टुडे। भाई मैच अभी भी कहना मुश्किल है क्योंकि एक विकेट गिर जा गया है, 7 ओवर हो चुका है, 37 रन बन चुका है, फिर भी यहां पर बोलना मुश्किल है कि कौन सी टीम आज यहां पर जीत सकता है क्योंकि बेथ मुनी जैसी बल्लेबाज मौजूद है, क्योंकि बेथ मुनी काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। और आपको बता दें बेथ मुनी ने पिछले जो मैचेस हैं इनमें एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ 36, सिडनी थंडर्स के खिलाफ 65, ब्रिस्बेन हिट के खिलाफ कोई रन नहीं बनाते। जब भी इन्होंने मैच खेला है तो इन्होंने 40-50 से ऊपर रन बनाए हैं। तो आज उम्मीद है कि यहाँ पर बेथ मुनी जो है 50 रनों का एक इनिंग्स जरूर खेलेगा। सिडनी सिक्सर विल विन द मैच, सुधीर जी कह रहे हैं कि सिडनी सिक्सर विल विन द मैच और मुझे भी लगता है कि यहाँ पर सिडनी सिक्सर बेहतर परफॉर्म करते हुए। तो भाई यहाँ पर लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफी अच्छा यहाँ पर, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर बॉलिंग करता हुआ गार्डनर, गार्डनर की विकेट टेकिंग बॉलिंग बहुत ज़रूरत है और गार्डनर को चलना। अगर इस पे यहाँ पर सिडनी सिक्सर को इस मैच में जीत हासिल करनी हो तो उस गार्डनर से विकेट चाहिए होगा। सचिन जी, पार्थ विल विन द मैच, चलिए देखते हैं। सचिन जी कह रहे हैं कि पार्थ विल विन द मैच। अभी भी 211 लोगों ने यहाँ पर पोलिंग में हिस्सा लिया है और पोलिंग में 56% लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर पार्थ सॉकर्स जीत सकता है। इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ बॉल को खेल दिया है, गैप में खेला हुआ शॉट 4 रनों के लिए और ये चौका लगाया है पिपारियों ने। बॉल के लिए वेट किया, देखा, परखा और इस बार सिर्फ दिशा दी बॉल को, बॉल का पेस जो था उसको यूज किया था गैप में और बहुत ही बेहतरीन चौका मिलता हुआ पिपारियों को। पिपारियों भी धीरे धीरे पहुंच चुके हैं 17 रनों के स्कोर पे। 7 ओवर 3 गेंदों के बाद 43 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पे। तो हमारे साथ अच्छा यहाँ पर लाइक करके 69 लाइक तक पहुंचा दिया है भाई, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके पहुंचाने के लिए। द टेस्ट मैच खेल रहा है क्या दोनों भाई, यहाँ पर 10 ओवर के बाद मैच पलटने में टाइम नहीं लगेगा। तो हमारे साथ 10 ओवर के बाद भी बने रहिएगा, देखते रहिएगा कि किस तरीके से मैच पलटता है या किसके लिए पलटता है। तो भाई लाइक है यहाँ पर 70 लाइक पहुँचा दिया है, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, बॉल को हल्के से फ्लिक कर दिया है, बॉल को फाइन लेग की तरफ, शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर बॉल को फील्ड किया है और बेथ मुनी ने यहाँ पर सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट करते हुए। मुश्किल होगा भाई, जी हाँ भाई ताहिर बसा जी, मुश्किल तो होगा क्योंकि पावर प्ले के दौरान रन उतने नहीं बने हैं और रिक्वायर्ड रन रेट जो है यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट को कम से कम 8 के करीब रखे तो यहाँ पर 5 सॉकर्स के लिए अच्छा रहेगा। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सबको बोलेंगे भाई लाइक जरूर करेगा। हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए। आज का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा मुझे लगता है, आखिरी बॉल तक जाएगा जरूर। क्या लगता है आपको, क्या ये रन 5 सॉकर चेस कर पाएगा या नहीं? 213 भाइयों ने यहाँ पर पोलिंग में हिस्सा लिया है जिसमें से 57% भाइयों का कहना है कि यहाँ पर 5 सॉकर ओमन जो है यहाँ पर जीतेगा। राजा यादव, इंडियन क्रिकेटर राजा यादव को यहाँ पर बॉलिंग के लिए बुलाया गया है
ऑलमोस्ट 10 का रन रेट है सर। जी हाँ, ताहिर बसा जी इस रन रेट को कम करके, रिक्वायर्ड रन रेट को कम करके 8 पे ले आना है, तब जाके आखिर के ओवर में अगर यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करके मैच को जीता जा सकता है। मैं एक बार में ही कम नहीं करने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट को अगर 8 के हिसाब से रखा जाए तो यहाँ पर 500 ओवर्स के लिए अच्छा रहेगा। इस बार बैकफुट में जाके कट किया था, पहली बॉल गुगली डाला था यहाँ पर राधा यादव ने, बॉल को खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, यहाँ पर सिंगल लेता हुआ पिपारियों ने स्कोर को यहाँ पर 47 तक पहुँचा दिया है। बहुत देर हो गया है यहाँ पर, दोनों ही बल्लेबाज की बल्ले से कोई बड़ा शॉट नहीं आया है भाई। यहाँ पर तो सिडनी सिक्सर का पल्ला जो है अभी पूरी तरीके से हावी हो चुका है मैच में, बड़ा शॉट लग ही नहीं रहा है। बेत मुनी की बल्ले से भी वो बड़ा शॉट नहीं आ रहा है। 10 ओवर के बाद इन दोनों बैट्समैन अगर बने रहते हैं और इन दोनों की जो बल्लेबाजी है और किस तरीके से करते हैं उसको देख के पता चलेगा कि मैच में क्या हो सकता है। सिक्सर फिक्स, चलिए मुरली मोहन जी कह रहे हैं कि यहाँ पर सिक्सर ही जीत सकता है मैच को, तो आपको भी क्या लगता है कि सिक्सर जीतेगा मैच को? देखिए 216 लोगों ने यहाँ पर पोलिंग में हिस्सा लिया है, जिसमें से 44% लोगों का कहना है कि सिडनी सिक्सर जीतेगा। सबसे ज़्यादा 56% लोगों ने कहना है कि यहाँ पर 5 सॉकर सोमैन इस मैच को जीत सकता है। तो आपका क्या कहना है, पोलिंग करके यहाँ पर हमें पोलिंग में हिस्सा लीजिए या कमेंट करके बताइए। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई, लाइक जरूर करते जाइएगा। राधा यादव की गेंद इस बार स्विप कर दिया है बॉल को, वन बाउंस फील्डर के पास पहुंचा डीप स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल मिला है मगर थोड़ा सा मौका भी बना था इस बार राधा यादव की गेंद पे। बाएं हाथ के यहाँ पर गेंदबाज है राधा यादव और इस बार बेत मुनी है स्ट्राइक पे, 18 रनों की स्कोर पे खेल रही है और थोड़ा सा टेस्ट मैच खेलता हुआ बेत मुनी इस बार थोड़ी सी स्टेप आउट करके बॉल को खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर भाग रहे हैं और यहाँ पर बॉल को रोक लेंगे। जी हाँ, तीसरे रन के लिए भागेंगे यहाँ पर बेत मुनी, नहीं यहाँ पर 2 ही रन लिए हैं और इसी 2 रनों के साथ 50 रन पूरे हो गए भाई। खुशियाँ मनाने की मौसम आ चुका है, 5 सॉकर्स ने 50 रन बना लिया है, 51 रन 1 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर 5 गेंदों के बाद। बैटिंग अच्छी चल रही है, जी हाँ अच्छी तो चल रही है मगर रिक्वायर्ड रन रेट जो है यहाँ पर बढ़ रहा है और इस बार बेत मुनी थोड़ी सी स्टेप आउट करके राधा यादव को खेलने की कोशिश, बॉल बैट का किनारा लेके सीधा बॉलर के पास गया है, कोई रन नहीं बनेगा डॉट बॉल होता हुआ। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और अब 9 ओवर के बाद 51 रन 1 विकेट के नुकसान पे बना है, तो देखते हैं भाई कौन है भाई यहाँ पर जो कि यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट करते हैं और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है भाई, 10 ओवर में 75-80 होना था, जबरदस्त हो जाता था मैच। जी हाँ, अभी भी यहाँ पर अगर एक ओवर बाकी है, एक ओवर में कम से कम 15 रन भी आ जाएगा तो मैच में उम्मीदें बढ़ जाएगी भाई। अगर यहाँ पर 15 रन इस ओवर से आ गए तो उम्मीदें बढ़ जाएगी 500 ओवर्स की, तो क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें बढ़ेगी या इस ओवर में 50-60 रन आ जाए यहाँ पर? हाँ आपको जी हाँ भाई, और यहाँ पर सैफ अली वर्मा ने बहुत ही बेहतरीन थ्रो किया था मगर विकेट में लगा नहीं और यहाँ पर सिंगल लेते हुए पिपारियों ने स्ट्राइक को रोटेट किया है। बेत मुनी शायद मुझे लगता है इस ओवर में थोड़ा सा जोखिम लेने वाले हैं, स्कोर 52 रनों तक पहुँच चुका है। क्या इस ओवर में बेत मुनी के बल्ले से 2-2 बड़ा शॉट देखने के लिए मिल जाएगा, क्या लगता है भाई आपको? बेत मुनी है स्ट्राइक पे और सामना करेंगी स्टेला कैंबल की गेंद, ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, कवर की तरफ खेल दिया है और यहां पर गैप निकालती हुई सिंगल मिल जाएगा भाई, सिंगल से काम नहीं बनेगा, चाहिए तो बड़ा रन बड़ा शॉट लगाना होगा यहां पर दोनों ही बल्लेबाज को। दोनों ही बल्लेबाज इस मैदान पे पूरी तरीके से अब सेट हो चुकी हैं, अब यहां पर बड़ा शॉट देखने के लिए मिल सकता है। अभी सिर्फ 2 गेंदों पे 2 रन आए हैं,
तो चलिए देखते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ पिपरियो को, पिपरियो में विकेट छोड़ के खेलने की कोशिश, बैट का किनारा लिया, बॉल चला गया थर्ड मैन की तरफ, डीप थर्ड मैन में फील्डर मौजूद है और एक ही रन मिलेगा। तीन गेंदों पर सिर्फ तीन रन आए हैं, तो ये इसी तरीके से अगर रन बनते जाएंगे तो पास सॉकर्स के लिए जो राह है वो मुश्किलें बढ़ती जाएगी। तो भाई हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं, सभी को बोलूंगा लाइक जरूर कीजिएगा। और ये मैच धीरे धीरे एक तरफा सा करता हुआ सिडनी सिक्सर, इस बार बेथ मुनी ने हवा में खेल दिया है बॉल को मिड विकेट की तरफ, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर चला गया है चार रनों के लिए, इस ओवर का पहला चौका। और इसी चौके के साथ स्कोर भी बन चुका है 58 रन, और एक छक्का चाहिए भाई, अगर एक छक्का चाहिए यहाँ पर मैच तभी भी बना रहेगा पांच सॉकर्स के लिए। 10 की यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट चल रही है और इस रन रेट को कम करने का जरूरत है, रिक्वायर्ड रन रेट को कम करने का जरूरत है। राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से एक बार बॉलिंग कैंपबेल की, इस बार ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, बॉल को गैप में खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और यहां पर सिंगल मिल जाएगा। पांच गेंदों पे इस ओवर में आए हैं 8 रन, पांच गेंदों पे 8 रन आए हैं, तो एक छक्के की जरूरत है जो कि आपको मैच पे बना सकता है। 10 की रन रेट चल रहा है और अगर एक छक्का लगेगा तो रन रेट में थोड़ी सी कमी आएगी, अगर इसी तरीके से अगर हर एक ओवर में अगर रन रेट में कमी आती है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा पास सॉकर्स के लिए। मगर इस बार डॉट बॉल करते हुए जितनी ज़्यादा डॉट बॉल, और यहाँ पर डॉट बॉल नहीं, ओवर थ्रो से एक रन मिल जाएगा, बाई रन एक मिला है और इसी एक रनों के साथ स्कोर जो है 60 तक पहुँचा है 10 ओवर में 60 रन बना है भाई एक विकेट के नुकसान पे। अगले जो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद देखना होगा कि यहाँ पर बल्लेबाजी में रणनीति में कोई असर पड़ता है कि नहीं। तो भाई जब तक ड्रिंक्स ब्रेक चलता है तब तक यहाँ पर लाइक जरूर करके 80 लाइक तक जल्दी से जल्दी पहुँचा दे भाई। तो देखते हैं कौन भाई जो है यहाँ पर लाइक करना चालू करते हैं और चैनल पर अथवा चैनल को सब्सक्राइब, देखिए भाई ने लाइक करना चालू कर दिया है, थैंक यू सो मच भाई, भाई ने तो चालू कर दिया है। और कौन भाई आगे ले जाता है देखते हैं, ड्रिंक्स ब्रेक, थैंक यू सो मच भाई, देखिए भाई ने आगे बढ़ाना चालू कर दिया है, अब आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं। देखिए भाई ने 73 लाइक तक पहुंचा दिया है और यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है। ड्रिंक्स ब्रेक से पहले आपको बता दें पांच सॉकर्स ने 162 रन की जो टारगेट है उसको चेस करते हुए सिर्फ 60 रन बढ़ाए हैं एक विकेट के नुकसान पे। 60 बॉलों में 101 रन कहाँ हुआ इतना बड़ा स्कोर जी भाई। ताहिर बसा जी, क्रिकेट में कुछ भी संभव है और जब यहाँ पर हम बैठे हुए हैं तब उम्मीद मत हारिए, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके साथ और बेथ मुनी है खेल रही है मैदान में पिपारियों के साथ, तो बड़ा स्कोर आज भी चेज हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पर लाइक जरूर करते जाइएगा, भाई उन्होंने 73 लाइक कर दिया है और यहाँ पर सिर्फ 7 लाइक की जरूरत है। तीन भाइयों ने यहाँ पर 73 भाइयों ने जहाँ पर आपको मुझे सपोर्ट किया है, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए और इस लाइक के जो सिलसिला चल रहा है उसको बढ़ाते जाइए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, काफी कमाल का मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है भाई। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मैच देखने के लिए मिल जाएगा, आखिर तक मैच जाए यही हम उम्मीद करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर पिपारियो है स्ट्राइक पे इस ओवर, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पहला ओवर और पहली ओवर की पहली गेंद पे यहाँ पर गैप में खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, सिंगल लेंगे पिपारियो और इसी सिंगल के साथ स्ट्राइक भी रोटेट हुआ है। बेथ मुनी है स्ट्राइक पे, 26 रनों की स्कोर पे खेल रही है राधा जादव की गेंदबाजी। तो थैंक यू सो मच भाई यहाँ पर लाइक घटाने के लिए, भाई दो मन से आप काम करना मत, लाइक करिए चाहे नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर दो मन से काम मत कीजिए, करूँ या ना करूँ, करना है तो कीजिए नहीं करना है तो मत कीजिए। इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट करके बॉल को खेल दिया है डीप फाइन लेग की तरफ, बेथ मुनी की यहाँ पर जरूरत है दो रनों की और यहाँ पर सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल के साथ जो है धीरे धीरे स्कोर जो है 62 रनों तक पहुँच चुका है। पिपारियो और बेथ मुनी
इन दोनों बल्लेबाज को जरूरत है बड़ा शॉट खेलने का। क्या लगा पाएंगी राधा यादव की गेंदबाजी में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ इस ओवर की तीसरी गेंद। इस बार थोड़ी सी अच्छी गेंद और इस बार देखना होगा कि स्टैंप आउट। जोरदार अपील किया था स्टैंप आउट का मगर अंपायर ने कहा कि नॉट आउट है भाई। पवन गेमिंग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। पवन जी आप कहां से हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं और सभी को बोलूंगा भाई लाइक करके यहां पर 80 लाइक तक जल्द से जल्द पहुंचा दे। तो देखते हैं कौन भाई यहां पर स्टार्ट करता है। 72 भाइयों ने लाइक करके मुझे 72 लाइक तक पहुंचा दिया है। यहां पर रविंद्र गौड़ा जी जो बोल रहे हैं कि विकेट चाहिए। चलिए देखते हैं पीपारियो है स्ट्राइक पे सामना करेंगे राधा यादव की इस ओवर की अगली गेंद का। और इस बार ऑफ स्टंप की गेंद थी बॉल को खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। कैच ड्रॉप हुआ है डीप मिड विकेट में और यहाँ पर दो रन आराम से लेती हुई पीपारियो का कैच छूटा है और यहाँ पर कैच ड्रॉप होने के बाद दो रन मिले हैं और इसी दो रनों के साथ स्कोर जो है 10 ओवर 5 गेंदों के बाद 66 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पवन जी हमारे साथ पटना से जुड़ा हुआ है, थैंक यू सो मच भाई। आप पटना से हैं और मैं बंगाल वेस्ट बंगाल कलकत्ता से। इस बार ऑफ स्टंप पे आके बॉल को खेलने की कोशिश और यहाँ पर मुझे लगता है कि जोरदार अपील मगर अंपायर ने गर्दन हिला के बोल दिया कि बैट पे टच नहीं हुआ था। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति। दो गेंदों पे दो मौके मिले थे मगर फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पर सिडनी सिक्सर ने। 500 का स्कोर जो है 66 रन 1 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर के बाद। और थैंक यू सो मच भाई यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। बेबी गुप्ता जी बॉबी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ तृप्ति शर्मा जी, हाँ तृप्ति शर्मा जो कि बॉबी गुप्ता है वो है तृप्ति शर्मा जो कि बहुत ही बढ़िया इंडिया से हैं और इंडिया को प्यार भी करते हैं बहुत ज़्यादा। और हम भी भाई इंडिया से हैं और इंडिया को भी बहुत ही प्यार करते हैं, अपना देश है भाई। तो चलिए भाई बने रहिएगा। 231 भाइयों ने पोलिंग में हिस्सा लिया है जब भी 56% भाइयों का कहना है कि 500 इस मैच में जीत सकता है। और सिडनी सिक्सर वोमेंस के लिए ये 44% भाई अभी भी बने हुए हैं सिडनी सिक्सर के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर गेंदबाजी में चेंजेस हुए हैं, गेंदबाजी में चेंज किया गया है। देखना होगा कि कौन आई है गेंदबाजी करने के लिए। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सभी को बोलूँगा लाइक ज़रूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पर क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है भाई। एलिसा हिली जो कि आज काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी किया था वो आई है गेंदबाजी करने के लिए। 94 रन बनाया था गेंद यहाँ पर बल्लेबाजी में। इस बार बेदमुनी को बॉलिंग करता हुआ बहुत ही बेहतरीन गेंद बॉल को खेल दिया है मिड ऑन के पास, सिंगल मिल जाएगा। और अभी तक बहुत देर हो गया है जब भी एक बाउंड्री चौका या छक्का देखने के लिए नहीं मिला है। दीप्ति शर्मा इज द बेस्ट बॉलर, आई लव इंडिया भाई। बॉबी गुप्ता जी कह रही हैं दीप्ति शर्मा जो कि यहाँ पर बिग बैश लीग में वुमेंस बिग बैश लीग में खेल रही है वो सबसे बेहतर बॉलर है और वो इंडिया को प्यार करती है। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए और इसी तरह भाई लाइक करो सपोर्ट करो। पहली सहेली और यहाँ पर क्लीन बोल्ड, जी हाँ यहाँ पर क्लीन बोल्ड होता हुआ पीपारियो का विकेट भी चला गया है यहाँ पर। दूसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर 500 का। तो भाई यहाँ पर काफी बेहतरीन विकेट लिया है एलिसा हिली ने। आज कमाल की गेंदबाजी की भी किया है एलिसा हिली ने, खास करके हर एक मैच में ये इसकी गेंदबाजी देखने के लिए नहीं मिलता है। मगर इस बार मिडिल स्टंप का बॉल था, स्वीप करने की कोशिश किया था, पूरी तरीके से बीट हो गए और क्लीन बोल्ड होके यहाँ पर पेविलियन की ओर बढ़ता हुआ पीपारियो। और दबाव जो है 500 के ऊपर और भी ज़्यादा बनता हुआ। मुरली मनोहर जी सिक्सर फिक्स, जी हाँ सिक्सर फिक्सर। चलिए भाई यहाँ पर हमारे साथ मुरली मोहन जी जुड़ चुके हैं और कह रहे हैं कि ये पर सिक्सर ही जीत सकता है। तो थैंक यू सो मच भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और चमेरी अत्तापत्तू आई है, ये कमाल की बल्लेबाज है भाई चमेरी अत्तापत्तू। पीपारियो को भेजा गया था कि रन की गति बढ़ाया जाए मगर ये भी थोड़ा सा जो है स्लो खेलता हुआ। देखना होगा कि अब चमेरी अत्तापत्तू आने के बाद बेदमुनि और चमेरी अत्तापत्तू क्या इस मैच में जान फूंक सकता है जो कि एक
मैच जो है पूरी तरीके से सिडनी सिक्सर के कब्जे में आ चुकी है कह सकते हैं। जी हाँ भाई, हमारे साथ एक नंबर जिसमें इंडिया प्लेयर है नहीं हारेगा। जी हाँ, और इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है बॉल को सीधा यहाँ पर सैफ अली वर्मा के हाथ में, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एलिसा हिली बॉलिंग करता हुआ इस बार लेग स्टंप, ओ ऑफ स्टंप से बाहर बॉल। जबेरी अत्तापातु ने कट करने की कोशिश किया था, टप्पा खाने के बाद बॉल बैट के ऊपर से चला गया सीधा विकेट कीपर के पास। काफी जानदार गेंद कर रही है और विकेट मिल जाने के बाद एलिसा हिली काफी कमाल की हो चुकी है। इस बार बैकफुट में जाके खेलने की कोशिश किया था, हवा में बॉल थी और चमेरी अत्तापातु का भी विकेट ले लिया है एलिसा हिली ने, और यहाँ पर तीसरा विकेट गिरता हुआ चमेरी अत्तापातु के रूप में। बिना खाता खोले चमेरी अत्तापातु यहाँ पर आउट होता हुआ। तीन गेंद खेले हैं अभी तक, कोई यहाँ पर रन नहीं बना पाए थे चमेरी अत्तापातु। ऑफ स्टंप की बॉल थी, कट करने की कोशिश किया था, हवा में बॉल थी और यहाँ पर बेहतरीन कैच पॉइंट में लिया गया है, और इसी के साथ चमेरी अत्तापातु का इनिंग्स भी खत्म होता हुआ। 67 पे 3 दबाव पूरी तरीके से 5 सॉकर्स के ऊपर। अब यहाँ से मैच को निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता हुआ। 12 की रनरेट रिक्वायर्ड रनरेट बन चुका है। चमेरी अत्तापातु का कैच लिया था राधा यादव ने, जी हाँ पॉइंट में राधा यादव फील्डिंग कर रही थी और उन्होंने कैच लिया था। अंसर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई आप बहुत अच्छे कमेंटिंग कर रहे हो, थैंक यू सो मच भाई। बॉबी गुप्ता जी हमारे साथ बने रहिएगा, मैं हमेशा बिग बैस लीग में आता हूँ और हमेशा ही मैं लाइव आता हूँ। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल पर चैनल को कमेंट्री सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सभी को दोस्तों को मैं बोलूँगा भाई यहाँ पर और 6 लाइक की ज़रूरत है। या भाई दोनों भाइयों ने लाइक कर दिया है भाई, थैंक यू सो मच भाई। मैं बोल ही रहा था कि भाई और यहाँ पर 4 लाइक की ज़रूरत है 80 लाइक तक पहुँचने के लिए। उससे पहले ही भाई ने हमारे यहाँ पर लाइक करके 77 लाइक तक पहुँचा दिया है। अंसर जी कह रहे हैं, बस जी कह रहे हैं कि यहाँ पर शेष, भाई शेष तो नहीं हुआ है, मैच काफ़ी ज़बरदस्त होगा, देखना होगा कि यहाँ पर राधा यादव जो कि एक बेहतरीन क्रिकेटर है, भारत के लिए खेलती है, वो बॉलिंग करने के लिए आई है और सामना करेंगे यहाँ पर नए बल्लेबाज हैदर ग्रहम। 12 ओवर हो चुके हैं, 12 ओवर के बाद 68 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। 12 के करीब रन रेट चल रहा है और इस रन रेट अगर चलते जाएंगे तो यहाँ पर जितना मुश्किल हो जाएगा 5 सॉकर्स के लिए। तो भाई यहाँ पर भाइयों ने लाइक जरूर करें। राधा यादव की अगली गेंद और यहाँ पर डॉट बॉल होता हुआ, विन होगा भाई सिडनी सिक्सर, विन हो जाएगा। अब तो यहाँ पर लग रहा है कि सिडनी सिक्सर ही विन हो सकता है। लगातार अच्छी गेंदबाजी, बैक ऑफ लेन बॉल डाल रहे हैं, बैट्समैन को मजबूर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है बैकफुट में जाके बॉल को खेले। फिर से एक बार राधा यादव लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ ग्रहम को, इस बार थोड़ी सी स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश। मिड ऑन पे यहाँ पर सैफ अली वर्मा से थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और यहाँ पर एक रन मिलता हुआ हैदर ग्रहम को, और इसी एक रनों के साथ स्कोर जो है 5 सॉकर्स का 69 रन 3 विकेट के नुकसान पे, और यहाँ पर सिर्फ 3 लाइक की जरूरत है 80 लाइक तक पहुँचने के लिए। तो हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलेंगे भाई लाइक जरूर करिएगा। शुरुआत बॉल था, बॉल को पुल कर दिया है आखिरी मोमेंट पे और 2 रन तो आराम से मिल जाएंगे यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर 2 रन आराम से मिल जाएंगे और इसी 2 रनों के साथ 71 रन बन चुके हैं। आपकी कमेंट्री अच्छी है, और जब मैच ख़त्म होने वाली होती है तो अलग मैच की वक्त और टीम डिटेल दे तो अच्छी होगी, हम ज्वाइन करेंगे। जी भाई यहाँ पर मैं तो बहुत ही पहले से, और यहाँ पर विकेट, जी हाँ राधा यादव ने यहाँ पर विकेट निकाल लिया है, फिर से एक विकेट निकाल लिया है राधा यादव ने, इस बार आउट किया है बेत मुनी। बहुत देर से परेशान करते हुए आ रही थी, बॉल को खेल दिया था मिड विकेट की तरफ और यहाँ पर फील्डर मौजूद थे कैच लेने के लिए, और इसी के साथ 5 सॉकर्स की आखिरी उम्मीद भी खत्म होता हुआ, 5 सॉकर्स की आखिरी उम्मीद भी खत्म होता हुआ।
बेतमुनी 30 रन की स्कोर पे आउट होते हुए 12 ओवर 5 गेंदों के बाद स्कोर जो है यहाँ पर 71 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बाय सर जी, ताहिर बसा जी दिमाग खराब कर दिया पार्थ ने। ओके सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर भाई जी हाँ जरूर देंगे, जरूर करेंगे सुधीर जी। सुधीर जी आपका जो ये एक सजेशन है ये मैं अपने दिमाग में रखूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जो डिमांड है, जो चाहते हैं आप हमसे, वो फुलफिल करने के लिए। तो थैंक यू सो मच भाई। और नंबर वन इंडिया प्लेयर, जी हाँ यहाँ पर राधा यादव ने विकेट निकाल लिया है। 13 ओवर हो चुके हैं, 13 ओवर के बाद 72 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। जो आखिरी उम्मीद था 500 रन का वो खत्म हो चुका है और यहाँ पर सिडनी सिक्सर जो है पूरी तरीके से मैच के ऊपर हावी हो चुका है। अगला गेंदबाज कौन करेगा देखना होगा भाई, अगला गेंदबाज कौन है ये देखना होगा क्योंकि अभी भी 7 ओवर बाकी है इस मैच की। हमारे साथ बने रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर रहते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफी बेहतरीन मैच आज देखने के लिए मिला है। एलिसा हिली फिर से एक बार अपनी दूसरी ओवर डालेंगे राउंड द विकेट मार्जिनी कैप को, मार्जिनी कैप और इस बार सीधा बल्ले से खेला था। अब यहां पर कॉटन बोल्ट का चांस मिला था मार्जिनी कैप को मगर नहीं ले पाई यहां पर एलिसा हिली। अगर कैच ले लेती तो शायद मार्जिनी कैप आउट हो जाती और ये इनका तीसरा विकेट भी होता। तो भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट जरूर करें भाई। और 3 लाइक दूर है यहाँ पर और 80 लाइक तक पहुँचने के लिए। बेहतरीन मैच अभी भी यहाँ पर चलता हुआ और 500 रन की उम्मीद जो है यहाँ पर ख़त्म होती हुई और देखना होगा कि आखिरी तक यहाँ पर 500 रन के कितने विकेट गिरते हैं और आखिरकार कितने रन तक ये जाते हैं। एलिसा हिली फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ, इस ओवर की तीसरी गेंद लेग स्टंप पे बॉल थी और यहाँ पर मुझे लगता है एलिसा हिली ने फिर से एक विकेट निकाल लिया है मार्जिनी कैप का। एलिसा हिली की गेंद थी, स्वीप करने की कोशिश किया था, बैट का एज लिया और शॉर्ट फाइनलिंग में फील्डर मौजूद थे कैच लेने के लिए और एक आसान सा कैच लिया है फाइन लेग में, शॉर्ट फाइन लेग में। तो इसी के साथ तीसरा विकेट लेते हुए यहाँ पर निकोला बोल्टन, जी हाँ सॉरी निकोला बोल्टन बॉलिंग डाल रहे हैं, एलिसा हिली नहीं निकोला बोल्टन बॉलिंग डाल रहे हैं और ये दूसरा विकेट निकोला बोल्टन का। भाई कौन एक भाई था जो कि निकोला बोल्टन को चाहते थे कि 3 विकेट लेगा, वो निकोला बोल्टन बॉलिंग डाल रही है और यहाँ पर 2 विकेट निकाल चुकी हैं। शायद मुझे लगता है निताई दास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो निताई दास ने शायद निकोला बोल्टन के बारे में कहा था कि ये 3 विकेट लेगा। तो ये उसी तरीके से यहाँ पर 2 विकेट निकाल चुके हैं निकोला बोल्टन ने। 7 बजे लाइव आना भाई, इंडिया बहुत मारेगी। जी हाँ भाई बॉबी गुप्ता जी लाइव तो नहीं आ पाएंगे मगर मैच का मज़ा आपकी आंखों से हम अपनी टीवी में लेंगे। तो भाई बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नीताय दास जी अगर आप हमको सुन रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपने कहा था निकोला बोल्टन जो है 3 विकेट लेगा, तो मैंने कहा था कि 2 विकेट लेगा तो ये 2 विकेट निकाल चुका है, ये इनका दूसरा ही ओवर 3 विकेट निकाल चुकी है। सॉरी बॉल हवा में है और यहाँ पर 2 रन मिल जाएगा। निकोला बोल्टन 3 विकेट निकाल चुकी है। तो थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। निकोला बोल्टन ने 3 विकेट निकाल चुकी है और कभी कमाल की गेंदबाजी करते हुए निकोला बोल्टन, ये इनका सिर्फ दूसरा ही ओवर है इस ओवर की अगली गेंद। और फिर से एक बार हाँ में खेल दिया है बॉल को, 1 बाउंस और सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और इसी चौके के साथ हैदर ग्रहम पहुंची 9 रनों की स्कोर पे और स्कोर हो चुका है भाई यहाँ पर 81 रन बन चुका है। तो कोशिश जारी है 500 रन की, 14 ओवर के बाद 81 रन 5 विकेट के नुकसान पे।
भाई क्या करे, आपकी आंखों से देखने का मजा ही अलग होता है। मैं क्या आंख बंद करके देखूंगा, मैं भी तो आंख ही खुला ही रखूंगा। आप हमारी आंखों से देखिए, हम आपकी आंखों से देखेंगे जो अभी चल रहा है कि मैं आप हमारी आंखों से देख रहे हैं। तो आज जो है इंडिया का मैच, आप मैं जो है आपकी आंखों से देखना चाहता हूं। सही है कि नहीं भाई रोजगार रेवोल्यूशन जी? अभी का मैच जो है आप मेरी आंखों से देख रहे हैं, और पिछला मैच जो इंडिया और न्यूजीलैंड का है वो मैच मैं आपकी आंखों से देखूंगा। हिसाब बराबर बराबर हो जाएगा भाई। तो भाई और 2 लाइक दूर है यहाँ पर 80 लाइक से, तो जल्दी से जल्दी भाई 80 लाइक पूरा कर दे, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मजा आएगा भाई बिग बैश लीग में मैच देने के लिए। और इस बार काफी बेहतरीन शॉट खेलने की कोशिश, ऑफ साइड में बॉल था, कट करने की कोशिश किया था, कोई रन नहीं, यहाँ पर डॉट बॉल होता हुआ। एलिना किंग पैरी बॉल करेगी, पैरी ने तो बॉल डाला है भाई, पैरी ने शायद यहाँ पर आपको बता दे एलिसा पैरी ने बॉलिंग किया है। एलिसा पैरी ने 1 ओवर डाले हैं और 5 रन देके 1 विकेट निकाले हैं। अक्षय जी अक्षय सूर्यवंशी जी आपको बता दे एलिसा पैरी ने 1 ओवर डाले हैं और 5 रन देके 1 विकेट निकाले हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगले अब जो है यहाँ पर एलिसा पैरी आएंगे बॉलिंग डालने के लिए। तो भाई लाइक जरूर करें, और सिर्फ 1 लाइक दूर है यहाँ पर 80 लाइक से, तो जल्दी से जल्दी भाई लाइक कर दे, और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मज़ा आ रहा है भाई मैच में, मज़ा तो आया था पिछली मैच में जिस तरीके से यहाँ पर खेला था एडिलेड स्ट्राइकर और मेलबोर्न रेनेगेड्स के बीच, और आज तो यह मैच में चेस नहीं कर पाए 5 सॉकर्स, और थोड़ा सा स्लो मैच चल रहा है लगातार जो है यहाँ पर मैच स्लो। हु विल विन भाई? शिव नायक जी यहाँ पर तो मुझे लगता है कि सिडनी सिक्सर, कोई भी आंख बंद करके बोल सकता है कि सिडनी सिक्सर यहाँ से मैच जीत जाएगा। तैंतीस गेंदों पे 81 रनों की जरूरत है, और मुझे जरूरत है सिर्फ 1 लाइक की, जो कि कोई भाई यहाँ पर कर देगा जरूर। देखिए भाई ने लाइक कर दिया है और हमें 80 लाइक तक पहुंचा दिया है। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, और सभी दोस्तों भाइयों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैच बहुत स्लो शुरुआती यहाँ पर 5 सॉकर्स का अच्छा नहीं हुआ था। शुरुआती अच्छा अगर नहीं होता है तो मैच आपके लिए आज 5 सॉकर्स का दिन ही नहीं था, क्योंकि शुरुआत में विकेट नहीं ले पाए, शुरुआत में स्टार्ट अच्छा नहीं कर पाए सोफिया डिवाइन और बेथ मुनी ने, तो आज 5 सॉकर्स के लिए दिन ही नहीं था जीतने का। तो इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर स्कोर जो है 14 ओवर 5 गेंदों के बाद 83 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पे, जहाँ पर एलिना किंग बैटिंग कर रहे हैं 2 रनों के स्कोर पे, और हैदर ग्रहम जो कि खेल रही हैं 10 रन बना के, लूरन चिटली जो कि अपना 3रा ओवर कंप्लीट कर रही हैं। और आपको बता दें कि ये मैच जो है हर एक तरफा सा कर दिया है सिडनी सिक्सर ने, कोई यहाँ पर जोखिम ले रही है नहीं ले रहे बैट्समैन, क्योंकि जानते हैं कि ये मैच जो है मेरी हमारी हाथों से निकल चुका है। पहली ओवर से मैं कह रहा था कि जब मैच स्टार्ट हुआ था, जब एलिसा पैरी और एलिसा हिली के बीच पार्टनरशिप बन रहा था, तभी अब विकेट नहीं निकाल पाए, जब विकेट निकाले हैं एलिना किंग ने तब बहुत देर हो चुका था, और स्कोर को अब तब भी यहाँ पर आखिर में एलिना किंग की गेंदबाजी पास्टेल की गेंदबाजी के दौरान आपको बता दें सिडनी सिक्सर ने 15 से 20 रन कम बनाए हैं, और 161 में 3 आउट हो चुके थे, और उसके बाद भी 5 सॉकर्स की जिस अंदाज से शुरुआत की जरूरत थी बैटिंग में, वो शुरुआत सोफिया डिवाइन एंड एलिसा या सोफिया डिवाइन बोले यहाँ पर एलिसा पैरी और एलिसा हिली ने जिस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट किया था अपने सिडनी सिक्सर के लिए, उस तरीके की स्टार्टिंग नहीं दे पाया सोफिया डिवाइन एंड बेथ मुनी ने। तो भाई लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 15 ओवर हो चुके हैं, 15 ओवर के बाद स्कोर जो है यहाँ पर बन चुके हैं 84 रन, और अगली गेंदबाजी करने कौन आएगा देखना होगा भाई। मिथलेन ब्राउन आई है बॉलिंग डालने के लिए, ये इनका 3रा ओवर है, और देखना होगा कि आज यहाँ पर और विकेट ले पाती है क्या नहीं। मैच जीत गया भाई, बहुत अच्छा लगता, दीप्ति शर्मा इज बेस्ट प्लेयर। जी हाँ, दीप्ति शर्मा इज सचमुच का बेस्ट प्लेयर है, और एक अच्छी ऑलराउंडर है।
पार्थ का कोई चांस है भाई? कोई चांस नहीं है पार्थ का यहाँ पर तो कोई भी चांस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है पार्थ सॉकर्स के लिए। दोनों ही बल्लेबाज जो है यहाँ पर बहुत ही इत्मीनान से खेलते हुए, क्योंकि जानते हैं कि समय का इंतज़ार कर रहे हैं, पूरा ओवर खेलना चाहते हैं और विकेट रख के खेलना चाहते हैं कि वो विकेट ना गिरने दे। और मुझे यहाँ पर कोशिश करनी होगी। और यहाँ पर पांच सॉकर्स की हैदर ग्रैम ने हाव में खेल दिया है बॉल को डीप मिड विकेट की तरफ, वन बाउंस फील्डर के पास पहुँचा है, दो रन मिला है और इसी दो रनों के साथ 15 ओवर 3 गेंदों के बाद 87 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पे। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलने के बाद लाइक जरूर कर देना और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिथलेन ब्राउन जो कि एक बेहतरीन बॉलर है और बॉलिंग करता हुआ हैदर ग्रहम को क्या लगता है भाई यहाँ पर एक अच्छे साझेदारी की जरूरत है जो कि यहाँ पर कम से कम कम रनों से हारे, ताकि नेट रन रेट की जो बहुत ही महत्व है इस मैच में। ये जो लीग चल रहा है वुमेंस बिग बैश लीग का, आखिर में नेट रन रेट जो है वो बहुत मायने रखेगा। तो इसके हिसाब से आज बैटिंग करना पड़ेगा पांच सॉकर्स को, जितना आगे बढ़ा जाए उतना अच्छा है पांच सॉकर्स के, जितने कम रनों से हारे उतना अच्छा रहेगा पांच सॉकर्स के लिए। तो भाई यहाँ पर हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेहतरीन मैच होता हुआ पांच सॉकर्स के लिए, ये मैच बहुत ही कठिन होता हुआ नजर आ रहा है भाई। कल कोई मैच नहीं है ये बिग बैश लीग का, कल जो है मैच है सिर्फ 7:30 बजे, वो इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच है। और एक मैच है क्वींसलैंड और तस्मेनिया ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक वुमेन्स क्रिकेट का, और बाकी और कोई मैच नहीं है, कल भी नहीं है, परसों भी नहीं है, 2 तारीख को भी कोई मैच नहीं है वुमेन्स बिग बैश लीग का, 3 तारीख को है। और 3 तारीख को जो मैच है वो काफ़ी खतरनाक मैच है भाई, बहुत सारे मैचेस है 3 तारीख को। सिडनी सिक्सर और हेवर्ट हेरिकन्स और मेलबॉर्न रेनेगेड्स और पांच सॉकर्स के बीच 3 तारीख को मैच है भाई। और 3 तारीख को इंडिया का भी मैच है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो काफ़ी बड़ा मैच है 3 तारीख को। और हमारे साथ बने रहिए भाई, यहाँ पर 16 ओवर खत्म हो चुके हैं, 16 ओवर में सिर्फ 91 रन बने हैं यहाँ पर 5 विकेट के नुकसान पे। एलिना किंग यहाँ पर बैटिंग कर रही है, एलिना किंग के साथ है हैदर ग्रहम, दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर बैटिंग करते हुए 10 गेंदों पे 7 रनों की स्कोर पे खेल रही है एलिना किंग और हैदर ग्रहम 10 गेंदों पे 13 रनों की स्कोर पे। पार्टनरशिप जो है दोनों के बीच 17 रनों का बन चुका है और 4 ओवर बाकी है। और रिक्वायर्ड रन रेट देखिए कहाँ पहुँच गया है, 18 की रिक्वायर्ड रन रेट है जो कि इम्पॉसिबल सा नज़र आ रहा है। तो भाई लाइक ज़रूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट ज़रूर करें, मैच में तो जीत हार बना रहता है। राधा यादव फिर से बॉलिंग करता हुआ, एलिना किंग को फ्लाइटेड गेंद, बैट का एज लेके बॉल चला गया पॉइंट की दिशा में, यहाँ पर सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट किया है एलिना किंग ने। तो भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट हमें जरूर करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब पे जरूर करिएगा। देखते हैं भाई यहाँ पर कौन भाई है जो यहाँ पर जल्दी से जल्दी लाइक करके हमें सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज कोशिश तो बहुत बड़ा कर रहे हैं मगर कामयाबी उतनी जल्दी झक मार के नहीं आ रही है भाई, कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही है दोनों ही बल्लेबाज और जानता है कि यहाँ से मैच निकाल पाना बहुत ही मुश्किल। भाव में खेल दिया है यहाँ पर मगर फील्डर तक नहीं पहुँचा बॉल, बहुत देर तक हाव में था और यहाँ पर 2 रन कंप्लीट करते हुए स्कोर को पहुँचा दिया है 94 रनों तक। क्या लगता है भाई कौन सी टीम जो है आज यहाँ पर विन होगा, इसका जवाब मैं अगर देख सके तो सिडनी सिक्सर जो है यहाँ पर आसान सा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। लगातार कोशिशें जारी है, इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया है 4 रनों के लिए, इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेला है हैदर ग्रहम ने, चौके लगा दिया है और इसी चौके के साथ स्कोर भी 98 रन बन चुके हैं। जी हाँ, इसी चौके के साथ यहाँ पर 5 सॉकर्समैन का स्कोर जो है 98 रन बन चुके हैं। कोशिशें जारी है, अब देखना होगा कि यहाँ पर रन को कितने आगे तक ले जा पाते हैं
और इस बार भी मिड ऑफ के ऊपर से निकालने की कोशिश और इस बार नहीं निकाल पाए, फंस गए यहाँ पर हैदर ग्रहम और यहाँ पर आउट होता हुआ छठा विकेट गिरता हुआ 98 पे 6। जी हाँ, 16 ओवर 5 गेंद के बाद 98 पे 6 विकेट आउट हो चुके हैं 5 सॉकर्स के। तो इसके बाद अभी 3 ओवर बाकी है भाई इस गेंद के बाद। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर रहते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण मैच था ये 5 सॉकर्स के लिए जो हार गया है। अगर यहाँ पर दो पॉइंट हासिल कर लेती तो शायद यहाँ पर मुझे लगता है कि फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ राधा यादव इस ओवर की अगली गेंद और इस बार सीधे बल्ले से खेला है बॉल को पॉइंट की तरफ, मगर बॉल यहाँ पर फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। और इसी डॉट बॉल के साथ 17 ओवर कंप्लीट हो चुका है। 17 ओवर के बाद स्कोर जो है 98 रन बना है 6 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूँगा भाई आगे आने वाले मैचेस के लाइव कवरेज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेहतरीन आज मैच होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है भाई, काफ़ी कमाल का मैच होता हुआ यहाँ पर। देखना पड़ेगा कि अगले गेंदबाज कौन है। पूनम यादव ने अपना ओवर खत्म कर लिया है। इस बार अगला गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल आता हुआ स्लोअर बॉल हाँ में खेलने की कोशिश, बॉल चला गया डीप मिड विकेट की तरफ, वन बाउंस फील्डर के पास, सिंगल मिल जाएगा इस बार और इसी सिंगल के साथ भी स्कोर भी 99 रन बन चुका है। मिथलेन ब्राउन अपना आखिरी ओवर करती हुई, जी हाँ मिथलेन ब्राउन यहाँ पर अपना आखिरी ओवर करती हुई। और आपको बता दें राधा यादव ने 4 ओवर पूरे कंप्लीट कर लिया, 22 रन देके 2 विकेट निकाले हैं और इसके बाद लुरेन चिटली की 1 ओवर बाकी है, निकोला बोल्टन की 2 ओवर बाकी है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि एलिसा पेरी और गेंदबाजी करने आएंगी। तो भाई लाइक ज़रूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट जरूर करें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेहतरीन मैच हो रहा है भाई और हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर बेहतरीन जीत की ओर बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा रनों से जीतेगा यहाँ पर सिडनी सिक्सर उनके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, नेट रन रेट काफ़ी बेहतर हो जाएगा। लगातार कोशिश जारी है बड़ी शॉट का। तो भाई लाइक यहाँ पर इसी तरह लाइक करते जाओ और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। एलिना किंग जो कि एक कमाल की गेंदबाज बल्लेबाज है यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी भी ये कमाल की करती है और आज के मैच में कमाल की गेंदबाजी किया था। इस बार मिथलेन ब्राउन की गेंद थी हाव में खेल दिया था मगर फील्डर बॉल तक नहीं पहुँच पाए और यहाँ पर 2 रन मिल जाएगा एलिना किंग को और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है 104 रनों तक पहुँच चुका है। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए और इसी तरह से लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को। देखते हैं भाई कितनी जल्दी आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं। आज मिथलेन ब्राउन के बाद मुझे लगता है कि फिर से एक बार निकोला बोल्टन आ सकते हैं बॉलिंग डालने के लिए या लुरेन चिटली को बॉलिंग दिया जा सकता है। इस बार हवा में खेला था और थोड़ी सी शॉर्ट बॉल गिर गया है, कैच हवा में बहुत देर तक था, मिड ऑफ का फील्डर कोशिश बहुत बड़ा किया था मगर थोड़ा सा शॉर्ट बॉल गिर गया है, कोई यहाँ पर सिंगल जरूर मिला है मगर कैच ड्रॉप हुआ है। 17 ओवर 5 गेंदों के बाद 105 रन 6 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिथलेन ब्राउन की इस ओवर की आखिरी गेंद पैड पे लगी, बॉल चला गया है कवर की दिशा में, सिंगल मिल जाएगा इस बार। ओवर की समाप्ति हो चुकी है 18-12 गेंदों पर। देखिए यहाँ पर क्या मजेदार सीन बन चुका है, 12 गेंदों पर 56 रनों की जरूरत है, रिक्वायर्ड रन रेट जो है 28 का है। तो भाई यहाँ से तो मैच निकाल पाना बहुत ही मुश्किल, अब देखना होगा कहाँ तक या कितने रनों से यह पर सिडनी सिक्सर जीत हासिल करता है। तो भाई हमें यह भी देखना है कि और सिर्फ 2 लाइक की ज़रूरत है 85 लाइक तक पहुँचने के लिए, तो कौन 2 भाई है जो हमें 85 लाइक तक जल्द से जल्द पहुँचाएगा।
काफी कमाल का मैच यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है भाई। देखिए भाई ने एक लाइक करके 84 लाइक तक पहुंचा दिया। देखिए भाई ने लाइक करके 85 लाइक तक पहुंचा दिया है। थैंक यू सो मच भाई यहाँ पर 85 लाइक तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें यहाँ पर गेंदबाज आए हैं, लूडन चिटली अपना आखिरी ओवर डाल रही हैं और इसके बाद आखिरी ओवर मुझे लगता है कि डालेंगी निकोला बोल्टन आ सकती है। और एक भाई ने लाइक करके हमें, और यहाँ पर चिटली की गेंद हाँ में खेल दिया है और यहाँ पर बेहतरीन कैच, विकेट बाउंड्री लाइन पे डीप मिड विकेट में बहुत ही बेहतरीन कैच लिया है। मुझे लगता है निकोला बोल्टन ने कैच लिया है और इसी के साथ इस ओ यहाँ पर एलेना किंग आउट होते हुए जा मैदान के बाहर जाती हुई 107 पे 7 हो चुका है भाई। एलेना किंग 16 गेंदों पे 14 रनों की स्कोर पे आउट होके मैदान से बाहर जाती हुई और मुझे लगता है ये कैच कौन लिया है देखना होगा। कैच लिया है निकोला बोल्टन ने, मैंने कहा था कि एलेना किंग का जो कैच है वो लिया था निकोला बोल्टन ने। और थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को, जितनी ज्यादा लाइक हो सके आप करते जाइए। चिल्ली की गेंद मिडिल स्टंप का बॉल थोड़ी सी नीचे रही, स्लोअर था, बॉल को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में और यहाँ पर 2 रन आसानी से लेते हुए और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 109 रनों तक पहुँच चुका है। अभी भी यहाँ पर मैच जीत नहीं सकती है 500 कट्स क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी बढ़ चुका है, 35 का रिक्वायर्ड रन रेट है, 9 गेंदों पे 53 रन जो कि एक इम्पॉसिबल सा टास्क है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार कोशिशें जारी है, लिली मिल्स नए गल्लेबाज यहाँ पर आती हुई। तो भाई हमारे साथ जो भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूँगा भाई लाइक ज़रूर करें और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज 3:30 बजे से जो मैच है वो खेला जाएगा अफगानिस्तान और नामीबिया के बीच, अफगानिस्तान और नामीबिया के बीच वो मैच खेला जाएगा। तो भाई हमारे साथ जो भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करिए और चैनल पर थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो। लिली मिल्स जो अभी यहाँ पर सामना करेंगी लूडन चिटली की गेंदबाजी का, लेफ्ट आर्म बॉलिंग डालते हैं लूडन चिटली और इस बार स्लोअर डाला था क्लीन बोल्ड। जी हाँ, लूडन चिटली की गेंद स्लोअर डाला था, मिडिल स्टैम्प का बॉल था, बल्ला लेके गया था, बीट हो गए और बॉल जो है विक स्टैम्प को लेके चली गई और लिली मिल्स यहाँ पर आउट होता हुआ 19 ओवर होते खत्म हो चुके हैं। 19 ओवर के बाद 500 कर्स ओवन जो है 110 रन बनाए हैं 8 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूँगा भाई यहाँ पर आप लोगों ने 87 लाइक तक तो पहुँचा ही दिया है तो यहाँ पर और 3 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा 90-90 लाइक तक पहुँचाने के लिए क्योंकि मैच ख़त्म होने वाला है और यहाँ पर सिर्फ 1 ओवर बाकी है और इस एक ओवर आखिरी ओवर मुझे लगता है कि निकोला बोल्टन डालेंगी बॉलिंग करेंगी। तो देखते हैं कौन भाई है जो यहाँ पर हमें 90 लाइक तक पहुँचाने की पहल स्टार्ट शुरू करता है। देखिए भाई ने पहल स्टार्ट कर दिया है, शुरुआत तो कर दिया है भाई। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों का सपोर्ट ही है जो कि हमें मोटिवेट करता रहता है इसी तरीके से लाइव आने के लिए। बहुत ही जल्द और भी अच्छी तरीके से लाने का कोशिश करूंगा और उसके लिए आप लोग इसी तरीके से हमें लाइक ज़रूर करते जाइए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। गार्डनर आई है भाई आखिरी ओवर डालने के लिए, गार्डनर की आखिरी ओवर में यहाँ पर चौका लगा दिया है और इसी चौका नहीं भाई यहाँ पर आपको बता दे जी हाँ चौका लगा है और इसी चौके के साथ 19 ओवर 2 गेंदों के बाद 116 रन बने हैं, 116 रन बने हैं यहाँ पर 116 रन का बाउंड्री चेक किया जा रहा है और यहाँ पर 2 रन तो लगातार यहाँ पर। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को। देखिए बेहतरीन मैच होता हुआ और यहाँ पर आखिरी के 3 गेंदे बाकी है
अब देखना होगा आखिर के तीन गेंदों पे क्या करते हैं कार्मिसेल। और इस बार थोड़ी सी स्टेप आउट करके बॉल एक बड़ी शॉट खेलने का कोशिश अभी जो है यहाँ पर थैंक वहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर धीरे धीरे जो स्कोर जो है धीरे धीरे 116 रनों तक पहुँच चुका है 8 विकेट के नुकसान पे और दो गेंदें बाकी है इस मैच में। सिडनी सिक्सर एक आसान सा जीत यहाँ पर दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर कर देना और सिर्फ एक लाइक दूर है 90 लाइक से। तो देखते हैं कौन भाई है जो यहाँ पर 90 लाइक तक जल्द से जल्द पहुंचाते हैं। गार्डनर बॉलिंग करने के लिए तैयार इस ओवर की आखिरी गेंद। जी हाँ इस ओवर की आखिरी गेंद और सामना करेंगे इस बार और यहाँ पर पास्टेल हाँ में खेल दिया था बॉल को और डीप मिड विकेट में कैच लेती हुई आखिरी गेंद पे विकेट मिला है गार्डनर को। आखिरी बॉल को पास्टेल ने हाँ में खेलने की कोशिश किया था डीप मिड विकेट की तरफ और डीप मिड विकेट का फील्डर ने एक आसान सा कैच लेता हुआ विकेट और यहाँ पर 20 ओवर में 117 रन ही बना पाए। सिडनी सिक्सर ओवर ने 44 रनों से इस मैच में जीत हासिल किया है। आखिरकार सिडनी सिक्सर ने एक बहुत बड़ा जीत दर्ज किया है इस ग्राउंड पे 44 रनों से इस मैच में जीत हासिल किया है। तो भाई बने रहिएगा लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैच खत्म हो चुका है और सिडनी सिक्सर ने इस मैच में 44 रनों से जीत दर्ज किया है। आपको बता दें कि आज सिडनी सिक्सर ने पहले यहाँ पर सिडनी सिक्सर ने पहले टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए सिडनी सिक्सर ने 161 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पे। उसके जवाब में पास सॉकर्स की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही और जो सोफिया डिवाइन जो इनके स्टार बल्लेबाज है वो जल्दी जल्दी पेविलियन लौट गई और उसके बाद यहाँ पर पास सॉकर्स की जो बल्लेबाजी क्रम है वो मैदान पे उतनी अच्छी तरीके से बैटिंग ही नहीं कर पाई। पास सॉकर्स आखिरकार 117 रन बना पाई हैं 9 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के बाद और इस मैच को सिडनी सिक्सर ने 44 रनों से जीत लिया है। तो भाई कल और परसों कोई मैच नहीं है WBBL का, मगर हम आएंगे T20 वर्ल्ड कप का जो मैच चल रहा है उसका टीम एनालिसिस लेके, तो हमारे साथ ज्वाइन हो जाइएगा जरूर। और साथ में एक बात करते हैं, लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैच दोनों ही मैच काफ़ी ज़बरदस्त रहा, मेलबॉर्न रेनेगेड्स के साथ जो मैच एडिलेड स्ट्राइकर्स के था वो मैच काफ़ी ज़बरदस्त रहा था। तो भाई थैंक यू सो मच भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग और सिर्फ एक लाइक दूर है यहाँ पर 90 लाइक से, तो जल्द से जल्द आप लोग 90 लाइक 90 लाइक तक पूरा कर दे भाई और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगले आने वाले मैचेस की लाइव कमेंट्री सुनने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई।